Hello everyone, in this video we will be solving the previous year GATE computer science questions, and this topic is graph theory from the subject discrete mathematics. So let us solve these questions one by one. So this is the very first question. So this question mein what they are asking is the number of distinct simple graphs with up to 3 nodes. Agar aapke paas 3 node hai, maximum up to 3 nodes. So this word is up to, it is very important. कि अगर आपके पास अप टू 3 नोड्स हैं तो आपके पास कितने सिंपल ग्राफ्स बन सकते हैं. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ्स पॉसिबल विद वन नोड. अगर आपके पास सिर्फ एक ही नोड है तो उसमें कितने सिंपल ग्राफ्स पॉसिबल है. सेकंड, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ पॉसिबल विद टू नोड्स. टू नोड्स के साथ कितने सिंपल ग्राफ्स पॉसिबल हैं. एंड थर्ड, द नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ्स पॉसिबल विद 3 नोड्स, कि 3 नोड्स के साथ कितने सिंपल ग्राफ्स पॉसिबल है. अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर आस्किंग अबाउट अनलेबल्ड ग्राफ, यानी कि ऐसे ग्राफ जिनमें हमने नेमिंग नहीं करी, अनलेबल्ड है. दे आर ओनली आस्किंग अबाउट अनलेबल्ड ग्राफ, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द लेबल्ड ग्राफ. तो अगर आपके पास सिर्फ एक नोड है तो आपके पास सिर्फ एक ही ग्राफ पॉसिबल है जिसके अंदर सिर्फ एक ही वर्टेक्स आएगा. अगर आपके पास दो नोड है तो आपके पास दो ग्राफ पॉसिबल है, पहला जिसके अंदर दोनों वर्टिसेस किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, और दूसरा ग्राफ जिसमें दोनों वर्टिसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, लाइक दिस. अगर आपके पास 3 नोड्स हैं तो 3 नोड के साथ देयर आर आई थिंक 4 ग्राफ्स आर पॉसिबल, जैसे कि पहला जिसमें कोई भी कनेक्टेड नहीं है ग्राफ, दिस इज द फर्स्ट ग्राफ. दिस इज द सेकंड ग्राफ जिसके अंदर एक एज कनेक्टेड है, किसी भी दो वर्टिसेस के साथ एक एज कनेक्टेड है. दिस इज द थर्ड ग्राफ जिसके अंदर आपके पास दो एजेस कनेक्टेड है, किसी भी दो वर्टिसेस के साथ दो एजेस कनेक्टेड है. और ये आपका फोर्थ ग्राफ होगा जिसमें सभी तीनों एजेस जो हैं वो कनेक्टेड हैं. ठीक है, अब उन्होंने पूछा कि टोटल कितने ग्राफ पॉसिबल है विद अप टू 3 नोड, तो कितने होंगे विद वन नोड वाले प्लस टू नोड्स वाले प्लस 3 नोड्स वाले, सो विच इज इक्वल टू टोटल 7. यानी कि अप टू 3 नोड्स के साथ टोटल 7 डिफरेंट और डिस्टिंक्ट सिंपल ग्राफ्स आर पॉसिबल. देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. Now let us look at the second question here. So second question is saying that how many undirected graphs can be constructed out of a given set of vertices with given set with n vertices. In n vertices के साथ कितने undirected graphs possible हैं? अब देखो यहाँ पर और पिछले question में there was a major difference. In previous question they were asking about unlabeled vertices, जिसमें वर्टिसेस का हमने कोई भी नाम नहीं दिया है. लेकिन इन दिस क्वेश्चन दे आर ऑलरेडी गिवन द लेबल्स, तो यहाँ पर हमें लेबल्ड वर्टिसेस हैं कि हमें ऑलरेडी पता है कि वर्टिसेस के नाम क्या होंगे. सो वी नो वर्टेक्स विल बी v1 v2 v3 अप टू सो ऑन vn. तो यहाँ पर ये लेबल्ड वर्टिसेस की बात कर रहे हैं. अब उन्होंने बोला कि कितने ग्राफ पॉसिबल हैं विद n वर्टिसेस. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लेट अस सपोज कि आपके पास n इज इक्वल टू 1. अगर आपके पास n इज इक्वल टू 1 है तो कितने ग्राफ पॉसिबल. अगर आपके पास सिर्फ एक ही वर्टेक्स है तो जिसके अंदर वर्टेक्स v1 है तो एक ही ग्राफ पॉसिबल है. लेकिन अगर n इज इक्वल टू 2 है, यानी कि आपके पास दो वर्टिसेस हैं, तो वर्टेक्स v1 और वर्टेक्स v2, तो अब आपके पास इस केस में दो ग्राफ पॉसिबल है. पहले ग्राफ में दोनों वर्टिसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, और दूसरे ग्राफ में जो वर्टिसेस हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. लेकिन अगर मैं बोलता हूँ n इज इक्वल टू 3, यानी कि अगर आपके पास 3 वर्टिसेज हैं तो उस केस में क्या हो सकता है. पहला ग्राफ जिसमें से तीनों के तीनों वर्टिसेज किसी से भी कनेक्टेड नहीं है. सेकंड ग्राफ जिसमें दो वर्टिसेज कनेक्टेड है, तो जैसे वर्टेक्स v1 v2 और v3 है, तो लेट अस अज्यूम वर्टेक्स v1 और v2 कनेक्टेड है. ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास वर्टेक्स v1 और v3 कनेक्टेड हो. ऐसा भी तो हो सकता है कि वर्टेक्स v2 और v3 कनेक्टेड हो, राइट. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास इस तरीके से 3 ग्राफ पॉसिबल हैं जब आपके पास सिर्फ एक एज एग्जिस्ट करती है. विद वन एज यू हैव 3 ग्राफ्स दैट आर पॉसिबल. इन द सेम वे वी हैव टू सेलेक्ट कि अगर हमारे पास दो एजेस हैं किसी भी ग्राफ के अंदर तो कितने ग्राफ्स पॉसिबल है. तो अगर आपके पास दो एजेस हैं तो एज्यूम v1 और v2 को हमने कनेक्ट कर दिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि v2 और v3 को कनेक्ट कर दिया, राइट. v1 v2 और v3. ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने v1 v3 और v2 को कनेक्ट कर दिया,
राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि तीन आपके पास ग्राफ्स पॉसिबल हैं, और अगर आपके पास टोटल यहाँ पर तीन एजेस हैं तो आपके पास एक ही ग्राफ पॉसिबल है जहाँ पर ये तीनों वर्टिसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो इस केस में अगर आप काउंट करेंगे कि कितने आपके पास टोटल ग्राफ पॉसिबल हैं, तो दिस इज ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3, ग्राफ नंबर 4, ग्राफ नंबर 5, 6, 7 एंड 8। तो इस केस में टोटल आपके पास 8 ग्राफ पॉसिबल हैं। अगर n की वैल्यू 2 है तो उस केस में 2 ग्राफ पॉसिबल है, अगर n की वैल्यू 1 है तो उस केस में सिर्फ एक ही ग्राफ पॉसिबल है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं द क्वेश्चन बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम दिस केस, कि अगर आपके पास कुछ नंबर ऑफ वर्टिसेस, अगर मैं बोलता हूँ कि n की वैल्यू अगर 4 है तो इस केस में कितने ग्राफ पॉसिबल होंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि अगर n की वैल्यू 4 है तो उस केस में क्या होगा, और फिर हम उस फॉर्मूले को प्रीवियस केस में ट्रेस बैक करेंगे। ठीक है, सो इफ यू हैव वैल्यू 4, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस आइडेंटिफाई कि अगर आपके पास n की वैल्यू 4 है तो आपके पास एक कंप्लीट ग्राफ क्या हो सकता है। सो वी हैव वर्टेक्स v1, v2, v3 एंड v4। तो अगर n की वैल्यू 4 है सो दिस विल बी योर कंप्लीट ग्राफ, और उस कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस विल बी टोटल ऑफ 6। ओके, सो दिस इज k4, दैट इज कंप्लीट ग्राफ विद 4 वर्टिसेस, एंड नंबर ऑफ एजेस इन दिस केस विल बी इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2, सो विच इज इक्वल टू 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 6, राइट। तो आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इस केस में आपके पास टोटल 6 एजेस पॉसिबल हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि आपके पास इस तरह का एक ग्राफ पॉसिबल है जहाँ पर आपके पास 6 एजेस हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर कि किसी भी केस में अगर इसका कोई भी सब ग्राफ होगा, जैसे कि ये जो है, ये सभी जो है वो इस ग्राफ के सब ग्राफ है, राइट। सो दिस इज योर मास्टर ग्राफ विच इज अ कंप्लीट ग्राफ विथ 3 वर्टिसेस, और ये सभी ग्राफ्स हैं वो इसके सब ग्राफ हैं। तो किसी भी सब ग्राफ के अंदर हर एक एज के पास चॉइस है, आइदर दिस एज विल बी देयर इन द सब ग्राफ और विल नॉट बी देयर, आइदर दिस एज विल बी देयर इन द सब ग्राफ और इट विल नॉट बी देयर, आइदर दिस एज विल बी देयर इन द सब ग्राफ और इट विल नॉट बी देयर। तो हर एक एज के पास दो चॉइसेस हैं, राइट। तो इसी तरीके से अगर आपके पास एक कंप्लीट ग्राफ है 4 वर्टिसेस का, तो इसके जितने भी सब ग्राफ होंगे उसके लिए हर एक एज के अंदर दो चॉइसेस हैं कि ये जो सभी एजेस हैं क्या वो एच उस ग्राफ के अंदर होंगी या फिर नहीं होगी। तो अगर आप नंबर ऑफ चॉइसेस की बात करेंगे तो इसके पास दो चॉइस हैं, इसके पास दो चॉइस हैं, इसके पास दो चॉइस हैं, इसके पास भी दो चॉइसेस हैं, इसके पास भी दो चॉइसेस हैं, और इसके पास भी दो चॉइसेस हैं। तो नंबर ऑफ चॉइसेस विल बी 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 विच इज इक्वल टू 2^6। सो 2^6 का मतलब है 2^ नंबर ऑफ एजेस, जितनी भी एजेस होंगी वो हमारे पास पावर के अंदर आएंगी। इन द सेम वे अगर हमारे पास टोटल n वर्टिसेस हैं, सो विद द हेल्प ऑफ n वर्टिसेस देयर इज n इनटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 एजेस आर पॉसिबल इन इन कंप्लीट ग्राफ विद n वर्टिसेस, और हर एक एज के पास दो चॉइसेस हैं, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस होंगी n इनटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अब इस ऑप्शन को वेरीफाई भी कर सकते हैं सभी केसेस में। अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ पर वेरीफाई करते हैं तो क्या होगा, 2^3 × 3 − 1 / 2 विच इज इक्वल टू 2^6 / 2 विच इज 2^3, और 2^3 वैल्यू होती है आपके पास 8 जो कि यहाँ से वेरीफाई हो रही है। इन द सेम वे आप इन सभी ऑप्शंस को इन सभी केसेस में वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो करने के दो तरीके हुए। पहला, जो हमने इस तरीके से पूरे फॉर्मूले को डिराइव किया, आप फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। सेकंड वे क्या है कि आप सबसे पहले चेक करो कि नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ लेबल्ड ग्राफ विद 1 वर्टेक्स कितना होगा, नंबर ऑफ लेबल्ड ग्राफ विद 2 वर्टेक्स कितना होगा, नंबर ऑफ लेबल्ड ग्राफ विद 3 वर्टेक्स कितना होगा। उसके बाद ये सभी फॉर्मूलेस को लगाने की कोशिश करो और चेक करो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो कि इन सभी n की वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि अगर हम n की वैल्यू 1 है तो क्या उसको सेटिस्फाई कर रहा है, अगर n की वैल्यू 2 है तो क्या ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है, अगर n की वैल्यू 3 है तो क्या ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये तीनों केसेस में अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इसमें से ऐसा कौन सा केस है जो इन सभी केसेस को सेटिस्फाई कर रहा है, और वो आपका आंसर होगा। सो इन दिस वे ऑल्सो यू कैन सॉल्व द सेम क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। So this question is very very interesting. As you can see what they are asking here, they are saying how many n labeled graph
labeled vertices exist which can have at least these many edges. आपके पास अगर if how many graphs on n labeled vertices exist, यानी कि कितने graph exist करते हैं जहाँ पर n labeled vertices है, यानी कि vertices को हमने नाम दिया है जहाँ पर कम से कम इतनी edges होंगी. ठीक है, तो this question is very interesting. ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें करना क्या है. हमें पहले तो ये देखते हैं कि अगर आपके पास n vertices हैं total, तो किसी भी graph के अंदर अगर n vertices हैं तो उस graph के अंदर कितनी edges होंगी. So number of edges will be n into n minus 1 divide by 2 which is basically n square minus n divide by 2. ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कि अगर आपके पास एक complete graph है with n vertices तो उसके अंदर कितनी edges होंगी. अब हमें क्या करना है कि हमें ऐसे graph देखने हैं जहां पर इतनी edges में से हमें इतनी edges को select करना है, which is very easy. कैसे करेंगे हम लोग, we have to select these many edges out of these many edges. ठीक है, तो क्या होगा आपके पास, n square minus n divided by 2 c n square minus 3 n divided by 2. तो ये एक ऐसा graph हुआ जहां पर हमें total इतनी edges में से इतनी edges को हमने select किया. लेकिन जो question है, question में कुछ और पूछना चाहता है, right? Question में क्या पूछना चाहता है, what is at least, ये जो word है at least, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वर्ड के अंदर कन्फ्यूजन कर देंगे, राइट? अगर आपने इस वर्ड को मिस कर दिया देन यू विल से सर ऑप्शन ए इज़ द आंसर, बट एक्चुअल में ऑप्शन ए आंसर नहीं है बिकॉज एटलीस्ट का मतलब है कि आपके पास इतनी एजेस भी हो सकती हैं, इससे ज़्यादा एजेस भी हो सकती हैं, इससे दो तीन एजेस ज़्यादा भी हो सकती हैं. तो आपको देखना है कि टोटल कितने ऐसे ग्राफ्स पॉसिबल हैं. तो लेट अस से कि आपके पास हम दो वैल्यूज को लेते हैं. लेट अस सपोज वी हैव अ वैल्यू x व्हिच इज n into n minus 1 डिवाइड बाय 2, यानी कि मैक्सिमम कितनी एजेस हो सकती हैं. एंड देन वी हैव अ वैल्यू y व्हिच इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइड बाय 2. ये है कि आपको कम से कम कितनी एजेस चाहिए, ये मैक्सिमम एजेस है और ये है कि आपके पास मिनिमम आपको इतनी एजेस चाहिए, राइट? इससे ज़्यादा भी एजेस हो सकती हैं. तो जो भी हमारे ग्राफ हैं दे विल बी हैविंग लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू दीज मेनी एजेस. ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास इतनी एजेस तो क्या होगा, x c y प्लस आपके पास ऐसा ग्राफ हो सकता है जिससे एक एज ज़्यादा हो. सो x c y प्लस 1 प्लस x c y प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन x c x. अगर आपको ये इक्वेशन समझ में नहीं आई है हाउ आई गॉट दिस इक्वेशन, लेट मी एक्सप्लेन यू कि इक्वेशन कैसे आई. तो सबसे पहला, ये जो आपके पास एक वैल्यू है इसका मतलब क्या है कि आपके पास मैक्सिमम इतनी एजेस हो सकती हैं जिसमें से हमें इतनी एजेस को सेलेक्ट करना है, इतनी एजेस को चूज करना है किसी भी ग्राफ के अंदर. सेकेंड केस में आपके पास मैक्सिमम इतनी एजेस हो सकती हैं जिसमें से हमें इतनी एजेस को सेलेक्ट करना है किसी भी ग्राफ के अंदर, राइट? तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं बिकॉज व्हाट दे आर आस्किंग इज एट लीस्ट, यानी कम से कम इतनी एजेस हों, इससे ज़्यादा भी, एक एज ज़्यादा भी हो सकती है, दो एज ज़्यादा भी हो सकती हैं, यानी कि सभी की सभी एजेस भी हो सकती हैं. तो सबसे पहले आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होना चाहिए कि वो एट लीस्ट पूछना चाहता है, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट एग्जैक्टली. एट लीस्ट, एग्जैक्टली, एट मोस्ट, ये तीनों वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप इन तीनों वर्ड्स को मिस करेंगे देन ऑब्वियसली यू विल मेक मिस्टेक. तो वी हैव एट लीस्ट, we have exactly and we have at most. ठीक है, तीनों केसेस में आंसर डिफरेंट होगा. जब exactly बोलेंगे exactly में आंसर होगा x c y बिकॉज ये वाली y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है. अगर at least की बात करेंगे तो होगा x c y plus x c y plus 1 plus x c y plus 2 up to so on x c x. अगर एट मोस्ट की बात करेंगे तो होगा एक्स सी जीरो प्लस एक्स सी वन प्लस एक्स सी टू अप टू सो ऑन एक्स सी वाई. तो वो हमारे एट मोस्ट में आंसर होगा. तो इन्होंने पूछा है एट लीस्ट. ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे, इन दिस केस वी कैन ऑल्सो राइट ईच ऑफ दीज इक्वेशंस इन वन मोर फैशन. आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं. कैसे, अगर हम बोलते हैं वी हैव 4c3 तो 4c3 इज इक्वलेंट टू 4c1. ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वलेंट होती है, राइट? बिकॉज अगर मैं बोलता हूँ एक्स सी वाई, इसका मतलब है एक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई फैक्टोरियल इनटू वाई फैक्टोरियल. अब आप इसके अंदर ये ऊपर वाली इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें एंड देन यू विल फाइंड आउट कि आपके पास जो दोनों जो वैल्यूज हैं दे विल बी सेम. सो इन द सेम वे आई कैन ऑल्सो चेंज दिस इक्वेशन एज एक्स सी, दिस इज
x minus y plus x c x minus y minus 1 plus x c x minus y minus 2 up to so on x c 0. तो सेम इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटर्न दिस वे. इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर सो फार. इसमें अब तक कोई भी इशू नहीं होगा. करेक्ट. अब आपको याद होगा तो आई टोल्ड यू समथिंग कि राइट. सो अब ये जो इक्वेशन है, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूँ और इस इक्वेशन की बात करता हूँ, तो इन इक्वेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू n. अगर मैं x माइनस वाई को n कहूँगा तो इक्वेशन हो जाएगा x c n प्लस x c n माइनस 1 प्लस x c n माइनस 2 अप टू सो ऑन x c 0. तो दिस सेम इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड टू दिस फॉर्मेट. इस इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो इफ दिस सेम इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड टू दिस फॉर्मेट, तो आप इसको कुछ ऐसा भी तो बोल सकते हैं सर कि ये जो है दिस इज समीशन ऑफ एक्स सी के वेयर द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू जीरो टू एन. के की जो वैल्यू है वो जीरो से लेकर एन तक रहेगी. सो दिस विल बी योर इक्वेशन. नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन अगर आप x की वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे, इफ़ यू सब्सिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, तो आपको पता है कि x की वैल्यू क्या है. सो दिस विल बी समीशन ऑफ, सो दिस इज नॉट y, दिस इज k. सो दिस इज k. ओके, सो दिस इज k, सॉरी माय बैड. सो यहाँ पर होगा समीशन ऑफ k इज इक्वल टू जीरो टू n n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 सी के. दिस विल बी योर इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज एक्चुअली मैचिंग विद द ऑप्शन नंबर सी. सो यू कैन सी ऑप्शन नंबर सी विल बी अ करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन प्लीज कमेंट बिलो ऑन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल स्टिल ट्राई एंड आंसर योर डाउट्स. ठीक है, सो लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. दे आर आस्किंग हाउ मेनी डिस्टिंक्ट बाइनरी सर्च ट्रीज दैट कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट कीज. आपके पास 4 डिस्टिंक्ट की हैं, जैसे कि हमारे पास कीज हैं 1, 2, 3 एंड 4. अगर आपके पास ये 4 की है तो इससे कितने बाइनरी सर्च ट्री पॉसिबल हैं. तो इससे कैसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सी इट इज दे टॉकिंग अबाउट द बाइनरी सर्च ट्री. तो जो भी आप ट्री बनाओगे तो उसके अंदर बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए. जैसे कि आपके पास अगर कोई रूट नोड है तो उसके अंदर लेफ्ट के अंदर जो डेटा होगा वो लेस देन डेटा होगा या फिर इक्वल टू डेटा होगा, और राइट के अंदर ग्रेटर देन डेटा होगा. राइट, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कितने बाइनरी सर्च ट्री पॉसिबल है. जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि अगर हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री कुछ इस तरीके से है, इफ़ आई टेक एनी रैंडम बाइनरी सर्च ट्री, सो देर विल बी ओनली वन कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वैल्यूज जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा. जैसे कि वी कैन हैव अ वैल्यू 2 हियर, वी कैन हैव अ वैल्यू 1 हियर, वी कैन हैव अ वैल्यू 4 हियर एंड वी कैन हैव अ वैल्यू 3 हियर. सो ओनली दिस स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन विल सेटिस्फाई दिस शेप. सिर्फ इस शेप को एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ही सेटिस्फाई करेगा. अब हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास नंबर ऑफ अनलेबल्ड बाइनरी ट्री कितने होते हैं. अनलेबल्ड बाइनरी ट्री विद एन नोड्स कितने होते हैं, कितने होते हैं आपके पास. हमने ऑलरेडी इस फॉर्मूले को किया है, सो विच इज 2NCN डिवाइड बाई एन प्लस 1. और इसको हम इस फॉर्मूले से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 2N फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल. अगर मैं इसको सेम क्वेश्चन को चेंज करूं, नंबर ऑफ लेबल्ड बाइनरी ट्री, नंबर ऑफ लेबल्ड बाइनरी ट्री विद एन नोड्स कितने होंगे उस केस में, तो आप इस वैल्यू को एन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज 2NCN मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2N फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन प्लस 1 फैक्टोरियल. तो ये हमारे पास आंसर होता है. अब बिकॉज यहाँ पर पूछा है कि इट इज़ अ बाइनरी सर्च ट्री, तो बाइनरी सर्च ट्री का मतलब क्या है कि जो भी आपकी कोई भी एक रैंडम शेप बनाएंगे, इवन आप अगर आप इस रैंडम शेप को भी बनाएंगे, तो इस तरह की सिर्फ एक यूनिक शेप बन सकती है, बिकॉज ओनली वन कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वैल्यूज
विल सेटिस्फाई दिस शेप। आप इसके अलावा कोई और तरीके से इन वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो एक तरीके से अगर पूछा जाए, देखा जाए, तो ये सिर्फ अनलेबल्ड की ही बात कर रहे हैं, बिकॉज फॉर एनी स्पेसिफिक शेप, देखो अनलेबल्ड में क्या होता है कि हम एक शेप की बात करते हैं, तो कोई एक स्पेसिफिक शेप के लिए सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन वैलिड होगा और वही कॉम्बिनेशन चलेगा। तो यानी कि ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला विल बी वैलिड फॉर दिस केस। तो वैल्यूज कितने हो जाएगी, 4 × 2 factorial divided by 4 + 1 factorial × 4 factorial, जो होगा आपके पास 8 × 7 × 6 × 5 factorial divided by 5 factorial × 4 × 3 × 2। तो 5 factorial से 5 factorial कैंसल एंड 3 × 2 से 6 कैंसल, 4 से ये जाएगा 2 पर, सो यूर गेट द आंसर विच इज़ 14। तो यानी कि द करेक्ट आंसर विल बी 14। देर विल बी 14 बाइनरी ट्रीज विच यू कैन क्रिएट फ्रॉम दीज मैनी डिस्टिंक्ट कीज। सो 14 बाइनरी सर्च ट्री दैट यू कैन क्रिएट फ्रॉम दीज मैनी कीज। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। Now let us look at the next question, and this is also very very interesting question here. What they are asking is, let G be a complete undirected graph of 6 vertices. आपके पास एक graph है जो एक complete undirected graph है 6 vertices के साथ, तो आपके पास number of vertices will be 6, like this. Okay, so I guess this is total of 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and they are saying it is complete, so all the edges will be there. So how many number of edges will be there? So in a complete undirected graph with 6 vertices, there will be 6 × 5 / 2 edges, which is equal to 15. तो ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, विच इज़ n × n-1/2। ठीक है, तो इतनी आपके पास एजेस होंगी। नाउ द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल ऑफ लेंथ 4 इज, तो उन्होंने बोला कि लेंथ 4 की कितनी साइकिल्स बन सकती हैं। तो सबसे पहले कुछ लेबल देते हैं इन लोगों को। सो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि अगर आपके पास 4 vertices हैं, अगर इसका एक सब ग्राफ लेता हूँ जिसके अंदर 4 vertices है, देखो उन्होंने लेंथ 4 की साइकिल को पूछा है, तो अगर आपके पास लेंथ 4 की साइकिल है तो उस केस में ओनली फोर वर्टिसेस विल बी इन्वॉल्व्ड, सिर्फ 4 vertices ही इन्वॉल्व होंगे। सो लेट अस अज्यूम कि हम इसमें से एक सब ग्राफ लेते हैं जिसमें 2, 3, 4 and 5 ये वर्टिसेस सब ग्राफ के अंदर। नाउ इन दिस सब ग्राफ यू हैव द फॉलोइंग एजेस, ठीक है, ये सभी एजेस आपके पास हैं। अब इसमें से आप क्या क्या साइकिल्स बना सकते हो। एक साइकिल होगी आपकी कुछ इस तरीके से, विच इज़ 2, 3, 4 and 5। एक साइकिल आपकी कुछ इस तरीके से होगी, राइट, सो विच इज़ 2, 3, 4 and 5, और एक साइकिल आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो, विच इज़ अगेन 2, 3, 4 and 5। तो हम यहाँ से चेक कर सकते हो, देर ओनली 3 unique cycles आर पॉसिबल। इन 3 के अलावा आप कोई भी यूनिक साइकिल्स को नहीं बना सकते, देर इज़ नो मोर देन 3 unique cycles आर पॉसिबल। तो इस केस में सबसे पहले आपको तो ये देखना पड़ेगा कि आपके पास 4 vertices को कितने ऐसे आउट ऑफ 6 vertices, हाउ मैनी वेज यू कैन सेलेक्ट 4 vertices। सो How many ways you can select 4 vertices out of 6 vertices। अब 4 vertices को 6 vertices से 4 vertices को कितने तरीके से select कर सकते हैं। So why? Because only those 4 vertices will be included in the cycle। तो कितने तरीके से कर सकते हैं, So 6C4, इतने तरीके से आप वो select कर सकते हैं, which is equal to 6 factorial divide by 4 factorial × 2 factorial, which is equal to 6 × 5 × 4 factorial divide by 4 factorial × 2, and this value will be total 15. So there are 15 ways, और जितने 15 ways में आप set करेंगे, from every way total आपके पास 3 unique cycles ही बन पाएंगी, only 3 unique cycles for 4 vertices, राइट, सो 3 ही यूनिक साइकिल बन पाएगी। देयरफॉर नंबर ऑफ साइकिल्स विल बी 15 मल्टीप्लाइड बाय 3, विच इज इक्वल टू टोटल 45।
तो टोटल इस केस में आपके पास मैक्सिमम 45 साइकिल्स ही हो सकती हैं, 45 से ज़्यादा साइकिल्स नहीं हो सकती। नाउ एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि सर ये जो साइकिल है यहाँ पर तीन की जगह पर छः भी तो हो सकता था। देखो यहाँ पर तीन की जगह पर छः नहीं हो सकता था, बाय बिकॉज अगर आप साइकिल कुछ ऐसे काउंट करो 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, अगर मैं इस ग्राफ की बात करता हूँ तो अगर आप साइकिल कुछ ऐसे काउंट करो कि 2 से 3 पर जा रहे हैं, 3 से 4 पर, 4 से 5 पर, 5 से 2 पर, या फिर अगर आप साइकिल कुछ ऐसे काउंट करते हैं 2 से 5 पर, 5 से 4 पर, 4 से 3 पर और 3 से 2 पर, तो बेसिकली जो दोनों ऑर्डर हैं ये दोनों ऑर्डर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, यानी कि एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। इवन दो इट इज़ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बोथ द साइकिल्स आर फॉलोइंग द सेम पाथ, तो ये दोनों एक ही साइकिल की तरह काउंट होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा सोच सकते हैं कि सर यहाँ पर एक क्लॉकवाइज साइकिल होगी, एक एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होगी, तो तीन की जगह पर छः होना चाहिए, बट नहीं, छः नहीं होंगे, दस ओनली 3 आर पॉसिबल। सो करेक्ट आंसर विल बी 45 फॉर दिस क्वेश्चन, और जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, सो यू कैन सी ऑन इन दिस ईयर आपको सभी को फ्री मार्क्स मिले थे फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? तो यहाँ पर 90 विल नॉट बी अ करेक्ट आंसर, 45 विल बी अ करेक्ट आंसर। आई होप दैट यू अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चंस। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। नाउ लेट अस लुक एट मोर क्वेश्चंस। सो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। अ ग्राफ जी इज इक्वल टू वी कॉमा ए सेटिस्फाइज नंबर ऑफ एजेस इज लेस देन इक्वल टू 3 इंटू नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस 6। सो बेसिकली हमारे पास एज का सेट होता है एंड दिस इज डिनोटिंग द कार्डिनलिटी ऑफ दैट एज, दैट मीन्स कि कितनी नंबर ऑफ एजेस हैं, और ये दिखा रहा है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं। नाउ दे आर आस्किंग द मिनिमम डिग्री जी इज डिफाइंड एज मिनिमम डिग्री, आई मीन जितनी भी डिग्री है हर एक वर्टिस की, उस समय से सबसे जो मिनिमम डिग्री है उसको हमने लेना है। Therefore, the minimum degree of G cannot be, उस ग्राफ के अंदर जो किसी भी वर्टेक्स है उसकी मिनिमम डिग्री इसमें से क्या नहीं हो सकती। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, सो मैं दोनों तरीकों को यहाँ पर डिस्कस करूँगा। सो बोथ द मेथड्स, सो फर्स्ट इज योर मेथड नंबर 1 और यहाँ पर आई एम गोइंग टू डिस्कस द मेथड नंबर 2। तो आप दोनों में से देख सकते हैं, वट एवर यू आर फीलिंग कम्फर्टेबल, जिस भी मेथड से आप कम्फर्टेबल लगे, इन दैट वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मेथड नंबर 1 में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम एवरेज डिग्री थ्योरम का यूज करेंगे। ओके, सो व्हाट इज दिस एवरेज डिग्री थ्योरम? सो लेट अस अज्यूम अल्फा जो है वो किसी ग्राफ में मिनिमम डिग्री को शो करता है एंड दिस बीटा रिप्रेजेंट्स व्हाट इज द मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स। ठीक है, सो एवरेज डिग्री जो है वो हमेशा किसी भी ग्राफ के लिए मिनिमम डिग्री से ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगी और मैक्सिमम डिग्री से लेस देन और इक्वल टू रहेगी। और हमें क्लियरली पता है कि इस एवरेज डिग्री का फॉर्मूला क्या है, सो दैट इज 2 इनटू नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वर्टिसेस, दिस इज योर एवरेज डिग्री थ्योरम। तो इसको हम ऑलरेडी क्लासेस में कवर कर चुके हैं। नाउ लेट अस अज्यूम कि हर एक वर्टेक्स की जो डिग्री है वो मिनिमम डिग्री है। लेट एवरी वर्टेक्स in the graph is having a same degree, is having same degree which is equal to alpha, yani ki har ek vertex ki jo degree hai wo minimum hai, har ek vertex jo hai wo minimum degree ke sath hai, in that case aapke paas jo number of edges yani ki ye jo value hai this will be equal to अल्फा मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ वर्टिसेस डिवाइड बाई 2। अब ये वैल्यू हमने कैसे ली सर, ये वैल्यू कैसे आई? यू कैन आस्क मी सर हाउ यू गॉट दिस वैल्यू। सो यू नो कि हमारे पास एक डिग्री थ्योरम होती है, राइट? सो क्या होता है कि जब भी आप किसी भी ग्राफ को बनाते हैं, जैसे कि ये एक आपके पास एक ग्राफ है जिसमें एक वर्टेक्स ए है, दिस इज वर्टेक्स बी एंड दिस इज वर्टेक्स सी, और इस ग्राफ में आपके पास तीन एजेस हैं, सो एज 1, एज 2 एंड वी हैव एज 3। अगर हम कोई भी एज बनाएंगे तो कोई भी एज दो बार डिग्री में कंट्रीब्यूट करती है, एक बार उसके एक एंड पे और फिर दूसरी बार उसके दूसरे एंड पे। अगर आप चेक करोगे कि यहाँ पर वर्टेक्स ए की डिग्री कितनी है 2, वर्टेक्स बी की डिग्री कितनी है 2 और वर्टेक्स सी की डिग्री कितनी है आपके पास 2 और नंबर ऑफ एजेस कितनी है आपके पास, टोटल 3 एजेस हैं। ठीक है, अब अगर बोलते हो 3 एजेस और हर एक एज जो है दो बार डिग्री में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जो टोटल डिग्री होगी ग्राफ में वो 2 into 3 यानी कि 6 के इक्वल होगी। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, वर्टेक्स ए की डिग्री प्लस वर्टेक्स बी की डिग्री प्लस वर्टेक्स सी की डिग्री विच इज इक्वल टू 6। ठीक है,
तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि टोटल ग्राफ में डिग्री कितनी है। और अगर आप इसी इसी वैल्यू को, जो भी आपके पास ये वाली वैल्यू मिली है यानी कि 6 जो वैल्यू मिली है, अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास टोटल कितनी एजेस हैं। तो यहाँ पर हमने क्या एज्यूम किया है कि आपके पास जो अल्फा है, अल्फा दिखाता है कि हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी है मल्टीप्लाइड बाय वी यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्टेसेस कितनी है। तो इससे क्या निकलेगा हमारे पास, टोटल डिग्री। इससे निकलेगा हमारे पास टोटल डिग्री इन द ग्राफ। और उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उसे निकल जाएगा हमारे पास उस ग्राफ के अंदर कितनी एजेस हैं, राइट। सो यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा आपके पास कि अल्फा मल्टीप्लाइड बाय वी डिवाइड बाय 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 इंटू नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस 6। अब इसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं। तो यू कैन से अल्फा मल्टीप्लाइड बाय वी इज लेस देन इक्वल टू 6 इंटू वी माइनस 12। तो ये वाला आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पर ये जो वैल्यू 3 है, राइट, सो दिस 3 इज रिप्रेजेंटिंग अ मिनिमम डिग्री विच इज अल्फा। अब इस 3 को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो जैसे अल्फा की जगह पर, एंड देन यू कैन चेक कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो यहाँ से वेरीफाई हो रही है। सो आई हैव वेरी लेस स्पेस, तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। सो लेट मी यूज दिस स्पेस ऑल्सो। सो ऑप्शन नंबर 1 में आपके पास अल्फा की वैल्यू है 3, तो यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा 3 इंटू नंबर ऑफ वर्टिसेस इज लेस देन इक्वल टू 6 इंटू नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस 12, जहाँ से आपके नंबर ऑफ वर्टिसेस विल बी इक्वल टू 3 इंटू नंबर ऑफ वर्टिसेस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, राइट। तो आप इस वैल्यू को यहाँ पर लेकर जाएंगे और इस वैल्यू को यहाँ पर लेकर जाएंगे, राइट। तो उससे आएगा आपके पास नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है, सो दिस वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो ये आपके पास जो फर्स्ट केस है वो वैलिड है। अब अगर आप सेकेंड केस को चेक करेंगे तो इन द सेकेंड केस अल्फा इज इक्वल टू 4, तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4 इंटू नंबर ऑफ वर्टिसेस इज लेस देन इक्वल टू 6 इंटू नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस 12, जिससे जो आपकी वैल्यू निकलेगी दैट विल बिकम नंबर ऑफ 2 इंटू नंबर ऑफ वर्टिसेस, राइट। सो विच यू कैन से नंबर ऑफ वर्टिसेस शुड बी ग्रेटर देन 6। तो ये आपके पास वैल्यू निकलेगी। अगर आप थर्ड केस में चेक करेंगे, थर्ड केस में क्या आएगा आपके पास, अल्फा इज इक्वल टू 5, so that means 5 into number of vertices is greater than is less than 6 into number of vertices minus 12, therefore we can say number of vertices should be greater than equal to 12, right। और अगर आप फोर्थ केस को चेक करेंगे तो वहां से आएगा आपके पास 6 into number of vertices is less than equal to 6 into number of vertices minus 12, तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो इट मीन 0 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 12। तो अब यहाँ से देख सकते हो दिस स्टेटमेंट बिकम्स इनकंसिस्टेंट, ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये इनकंसिस्टेंट है। सो यू कैन सी ऑप्शन नंबर डी इज नॉट अ करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट नहीं है। सो इन दिस वे यू कैन प्रूव कि आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं दे रहा, सो देयरफॉर इट कैन नॉट बी एन आंसर। सो दिस इज योर मेथड नंबर 1। नाउ लेट अस लुक एट द मेथड नंबर 2। सो वी हैव सेकेंड अप्रोच, वी हैव मेथड 2। So that is your second approach, and how can you do this same question in the second approach? So second approach mein you can see ye jo equation hamare paas given hai, which is number of edges is less than equal to 3 into number of vertices minus 6. So this is an equation for a planar graph. To ye sirf planar graph mein hi valid hai. This equation is valid only on the planar graph. To yahi se aapko solution mil jayega ki agar aapke paas koi bhi planar graph hai, if you remember the property, तो वहाँ पर आप directly कह सकते हो D is answer. But again, leave it. So let us prove this question कि यहाँ पर value क्या हो सकती है, ठीक है। तो हमें पता है कि आपके पास जो minimum degree theorem है वो क्या बोलता है कि alpha should be less than equal to 2 into number of edges divided by number of vertices which is less than equal to beta. Beta is the maximum degree, alpha is the minimum degree and 2 into number of 2 into e divided by n is your average degree. तो ये हमें already पता है, right? और हमें ये वाली इक्वेशन भी पता है, राइट। सो व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ई यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू नंबर ऑफ वर्टिसेस लेट अस सपोज विच इज एन माइनस 6 डिवाइड बाय एन। तो ये वाली वैल्यू आपके पास आएगी। तो इसको अगर आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू आपके पास, 6 इंटू नंबर ऑफ एन माइनस 12 डिवाइड बाय एन।
करेक्ट। तो आप बोलोगे अल्फा शुड बी लेस देन इक्वल टू 6 माइनस 12 डिवाइड बाय एन। तो ये एक आपके पास एक इक्वेशन आई है। अब इस इक्वेशन में देयर आर टू थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी कि अगर आपके नंबर ऑफ वर्टिसेस इन्फाइनाइट है, इन दैट केस अल्फा शुड बी लेस देन इक्वल टू 6 माइनस लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 12 डिवाइड बाय एन। और ये जो वैल्यू है दिस विल बी वेरी क्लोज टू जीरो, ये जो वैल्यू है बहुत जीरो के क्लोज होगी। सो इन दैट केस यू कैन सी अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 6। बट द प्रॉब्लम इज वी कैन नॉट हैव इन्फिनाइट वर्टिसेस हियर। तो इस केस में यहाँ पर हमारे पास वी कैन हैव इन्फिनाइट, बट इफ आई टेक अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ एन, एक्चुअली जो लिमिट है, लिमिट क्या शो करता है, लिमिट शेस, इट इज अ वेरी लार्ज वैल्यू। इफ एन इज इक्वल, इफ नंबर ऑफ वर्टिसेस इज वेरी लार्ज, इफ नंबर ऑफ वर्टिसेस आर वेरी लार्ज, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, अल्फा शुड बी लेस देन इक्वल टू 6 माइनस दिस वैल्यू विल बी वेरी स्मॉल विच इज इक्वल टू 0.00000 समथिंग 1, राइट। तो ये जो वैल्यू आपके पास बनेगी, ये बनेगी अल्फा इज इक्वल टू 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5.9999 समथिंग विच इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। और बिकॉज अल्फा जो है इससे लेस देन होना चाहिए और डिग्री जो हमेशा वो इंटीजर नंबर होती है, तो वी कैन से अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 5। अल्फा की वैल्यू 5 से कम कुछ भी चलेगी, अल्फा कैन बी 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी वैलिड है, लेकिन वो 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली ये वाला केस इसलिए वैलिड नहीं है बिकॉज हियर वी एज्यूम कि जो लिमिट है उसकी वजह से ये जो वैल्यू है वो जीरो के क्लोज हो जाएगी। बट एक्चुअली दिस शुड बी वेरी क्लोज टू जीरो, विच शुड बी वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। अगर ये जीरो क्लोज हो गए तो यहाँ से जो इक्वल टू वाला साइन है, ये इक्वल टू वाला साइन हट जाएगा। बिकॉज अगर आप लिमिट को यहाँ से हटाएंगे तो इक्वल टू वाला साइन यहाँ से हटेगा, तो आएगा अल्फा इज लेस देन 6। सो विच इज द सेकेंड वे दैट यू कैन गेट द आंसर। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। नाउ लेट अस लुक एट द सेकेंड पार्ट हियर, सेकेंड क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग इज लेट द 2^n वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ जी कॉरस्पॉन्ड्स टू ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ साइज एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 6। Two vertices of G are adjacent if and only if the corresponding sets intersect in exactly two elements. So the number of vertices of the degree 0 in the graph is, इस graph में कितने vertices होंगे degree 0 के। तो एक बार मैं आपको question को समझा देता हूँ what they are asking in the question। तो एक graph, एक हम एक subset लेते हैं, let us suppose आपके पास एक set A है जिसके अंदर 3 elements है, 1, 2 and 3। अभी set A के subset क्या क्या हो सकते हैं, इसका एक subset है आपके पास 5, right? इसका 3 सबसेट हो सकते हैं 1, 2 and 3, और इसके सबसेट क्या हो सकते हैं विच इज 1, 2, 1, 3 and 2, 3, और इसके सबसेट क्या हो सकते हैं 1, 2, 3। तो ये इसके सबसेट हैं, दीज आर द सबसेट ऑफ दिस सेट, राइट। सो यू कैन से इट इज अ पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। नाउ दे आर सेइंग कि आपके पास जो भी इसके सबसेट हैं उनमें से एजेस तब होंगी, यानी कि हर एक जो सबसेट उसको हमने एक वर्टेक्स बना दिया ग्राफ के अंदर, वी मेड एवरी सबसेट एज ए वर्टेक्स इन द ग्राफ, ठीक है। और किसी भी दो सबसेट यानी कि किसी भी दो वर्टेक्स के बीच में एजेस तब होंगी जब उनका जो इंटरसेक्शन है वो एग्जैक्टली दो एलिमेंट में रिजल्ट करेगा। जैसे कि अगर ये वाला वर्टेक्स है यानी कि 1, 2, 3, इसका अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ 1, 2 से, तो आपके पास इंटरसेक्शन आएगा 1, 2, विच इज एग्जैक्टली टू एलिमेंट, यानी कि इन दोनों के बीच में एक एज होगी। उसी तरीके से इसके बीच में एक एज होगी, उसी तरीके से इसके बीच में एक एज होगी। अगर वो एग्जैक्टली दो एलिमेंट नहीं है तो वहाँ पर एजेस नहीं होंगी। जैसे कि अगर यहाँ पर आपके पास दो एलिमेंट नहीं है तो इनके इंटरसेक्शन में कभी भी दो एलिमेंट नहीं आएंगे, तो इनमें से किसी भी सबसेट के बीच में एजेस नहीं होंगे। तो अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे, अगर आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ ए अगर एन है या फिर कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है अगर वो 3 है, तो हमारे पास 4 ऐसे वर्टिसेस हैं जिनके अंदर कोई भी एजेस नहीं होंगे। कौन कौन से? वो सभी वर्टिसेस जिनकी सभी वर्टिसेस या फिर वो सभी सबसेट जिनकी कार्डिनलिटी 1 है, और वो सभी सबसेट जिनकी कार्डिनलिटी 2 है। तो ये किसी भी वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे। तो अगर मैं बोलता हूँ कि हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट है, सो लेट अस सपोज वी हैव अ सेट A व्हिच इज हैविंग एलिमेंट्स अप टू सो ऑन n, तो इसके अंदर ऐसे कितने सबसेट होंगे जिनकी कार्डिनलिटी 1 है? तो कार्डिनलिटी 1 सबसेट, कार्डिनलिटी 1 सबसेट कितने होंगे यहाँ पर? सो दैट विल बी टोटल इक्वल टू n, एंड देन कार्डिनलिटी 0 सबसेट कितने होंगे, यानी कि ऐसे कितने सबसेट होंगे जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है? सो दैट विल बी इक्वल टू 1, राइट। तो एक ही सबसेट होता है, वो होता है आपके पास 5।
तो टोटल आपके पास एन प्लस वन ऐसे सबसेट होंगे जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट्स कनेक्टेड नहीं होंगे, या फिर ऐसी नोड्स होंगी जहां पर कोई भी एजेस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ डिग्री जीरो इन द ग्राफ। तो कौन से आपके पास, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कि आपके पास एन प्लस वन ऐसे वर्टिसेस होंगे जिनकी डिग्री जीरो है। ठीक है, आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन की एक मॉडिफिकेशन है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में व्हाट दे आर आस्किंग इज द मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स जी इन द ग्राफ। तो इस ग्राफ के अंदर किसी भी वर्टेक्स की मैक्सिमम डिग्री क्या होगी, और बिलीव मी दिस क्वेश्चन इज मच मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़े से ज़्यादा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास अगर जो सेट है ए, उसके अंदर टोटल एन एलिमेंट है। सो हमारे पास है एलिमेंट नंबर वन, एलिमेंट नंबर टू, एलिमेंट नंबर थ्री, एलिमेंट नंबर फोर, अप टू सो ऑन एलिमेंट नंबर एन। और एक सेट है बी जिसके अंदर आपके पास कुछ और एलिमेंट है, विच इज एलिमेंट नंबर लेट अस सपोज एक्स, एलिमेंट नंबर वाई, एलिमेंट नंबर जेड, एलिमेंट नंबर एम, एलिमेंट नंबर एन, लाइक दिस, राइट। तो इस बी की जो कार्डिनैलिटी है लेट अस सपोज वो है के, और इस ए की जो कार्डिनैलिटी है वो है लेट अस सपोज एन। तो ए जो है ओरिजिनल सेट है और जो बी है वो ए का सबसेट है। सो लेट अस अज्यूम दिस, लेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में एजेस कब होंगी, इन दोनों के बीच में एज कब होगी, जब इनका जो इंटरसेक्शन है यानी कि ए इंटरसेक्शन जो बी होगा वो एग्जैक्टली टू में रिजल्ट करेगा, यानी कि इन दोनों के अंदर एग्जैक्टली दो ऐसे एलिमेंट होंगे जो सेट ए के अंदर भी है और जो सेट बी के अंदर भी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी सेट लेता हूँ, ठीक है, इफ़ आई से वी टेक अ सेट लेट सपोज सी विच इज़ हैविंग द एलिमेंट ई वन, ई टू, अप टू सो ऑन ई एक्स, ई वाई, अगर आपके पास ये भी कोई भी सेट है, राइट, तो इन दोनों सेट के बीच में एजेस कब होंगी, इन दोनों सेट के बीच में एजेस कब होंगी, जब दोनों का जो इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन सी वो एग्जैक्टली टू को देगा। अब इंटरसेक्शन एग्जैक्टली टू कैसे देगा, लेट अस अज्यूम अगर सी के अंदर जितनी भी बी के अंदर के एलिमेंट है वो नहीं है, अगर मैं बोलता हूँ कि सी की जो कार्डिनैलिटी है लेट अस सपोज द कार्डिनैलिटी ऑफ सी इज मे बी एम, ठीक है, तो इस कार्डिनैलिटी एम में से हम वो सभी एलिमेंट्स को हटा दो जो कि बी के अंदर हैं। थोड़ा ध्यान से समझना इसको, जो सी है वो भी ए का सबसेट है, जो बी है वो भी ए का सबसेट है, राइट, और हम बोलते हैं कि बी और सी के बीच में एज तब होगी जब बी इंटरसेक्शन सी जो है वो टू आएगा। तो इसका मतलब सी और बी के बीच में एग्जैक्टली दो ही एलिमेंट कॉमन है, वो एलिमेंट कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है जो एलिमेंट बी के अंदर है वो सभी एलिमेंट सी में नहीं है, सिर्फ दो ही एलिमेंट सी के अंदर है, राइट। अगर सी के अंदर एम कार्डिनैलिटी है और सी के अंदर के, बी के अंदर के कार्डिनैलिटी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है, लेट अस मेक वन मोर अजम्पशन, लेट अस सपोज सी जो है वो एक बिगेस्ट सेट है, सी इज ए बिगेस्ट सेट, सी जो है वो बिगेस्ट सेट है विच इज इन विच सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू टू, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो सी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी एन माइनस के प्लस टू। अब इस वैल्यू का मतलब क्या हुआ, एन यानी कि जो भी एलिमेंट सेट ए के अंदर आता है वो सारे एलिमेंट माइनस के, यानी कि जो एलिमेंट बी में है उसमें से कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, प्लस टू यानी कि इसमें से सिर्फ दो ही ऐसे एलिमेंट हैं जो सी के अंदर आएंगे, ठीक है, समझो मेरी बात, बट आई एम ट्राइंग टू से इज लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। तो हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट है आपके पास सी और एक सेट है आपके पास बी, सच दैट सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू टू एंड सी इज अ बिगेस्ट सेट, सी जो है वो एक बिगेस्ट सेट है जहां पर विच इज अ सबसेट, विच इज अ सबसेट ऑफ द सेट ए, एज वेल एज बी ऑल्सो ए सबसेट ऑफ सेट ए एंड C इंटरसेक्शन B विल बी टू। तो ये जो तीन conditions है ये conditions आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो C कुछ इस तरीके का सेट है, तो C के अंदर एलिमेंट्स है एलिमेंट ई वन, एलिमेंट ई टू, अप टू सो ऑन एलिमेंट ई एक्स, एलिमेंट ई वाई, राइट। उसी तरीके अंदर B के अंदर एलिमेंट है एलिमेंट M, एलिमेंट N, अप टू सो ऑन एलिमेंट ई एक्स एंड एलिमेंट ई वाई, ठीक है। अब C की कार्डिनैलिटी कितनी होगी, C के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, विच इज N माइनस K प्लस टू, एन मतलब वो सभी एलिमेंट जो एक इस पूरे सेट ए के अंदर आते हैं, सो ए इज अ पेरेंट सेट, राइट, तो जो सभी एलिमेंट ए के अंदर आते हैं वो सभी एलिमेंट आएंगे,
माइनस वो सभी एलिमेंट जो बी के अंदर है वो सी के अंदर नहीं आएंगे, प्लस सिर्फ जो बी में है उसमें से सिर्फ दो ही एलिमेंट सी के अंदर आएंगे, तो सी के जो कार्डिनैलिटी है दैट विल बिकम एन माइनस के प्लस टू। अंडरस्टूड राइट? यानी कि अगर इन दोनों के बीच में सिर्फ दो ही एलिमेंट कॉमन है, राइट, ऐसे बहुत सारे सेट सी हो सकते हैं, वी कैन हैव अ सेट सी आई, वी कैन हैव अ सेट सी जे, वी कैन हैव अ सेट सी के, इस तरीके से ऐसे बहुत सारे सेट हो सकते हैं जिनमें सिर्फ दो ही एलिमेंट कॉमन है बी के साथ, राइट, देन ओनली वी कैन हैव एन एज बिटवीन सी आई, वी कैन हैव एन एज बिटवीन सी जे, वी कैन हैव अ एज बिटवीन सी के, बिकॉज उनके बीच में सिर्फ दो ही एलिमेंट कॉमन है। नाउ माई क्वेश्चन इज, अगर बी के अंदर टोटल के एलिमेंट है तो ये जो दो एलिमेंट आपने चूज करे, ये दो एलिमेंट कितने तरीके से चूज किए जा सकते हैं? How many ways you can select these two elements which are common between B and C? So that is KC2 combinations का formula है कि KC2 ways में आप इनमें से KC2 ways में से इन दो elements को choose कर सकते हैं, ठीक है? और जो भी इस C के जो भी subsets होंगे, right? तो उन सभी subsets के अंदर जो बाकी बचे हुए ये element है, ये जो बाकी बचे हुए element है, इन सभी एलिमेंट के पास चॉइस है, या तो उस सेट के अंदर आएंगे या फिर वो सेट के अंदर नहीं आएंगे, तो हर एक के पास दो चॉइसेस हैं। तो ऐसे कितने सेट पॉसिबल है बी, ऐसे कितने सेट पॉसिबल है लाइक सी आई, सी जे, सी के, जहां पर बी के साथ एग्जैक्टली दो एलिमेंट कॉमन है, तो कितने होंगे? 2^n-k मल्टीप्लाइड बाई के सी टू, ये इतने सेट पॉसिबल है, राइट? अब ये जो वैल्यू है 2^n-k, राइट, ये क्यों आया? बिकॉज इसके हर एक एलिमेंट के पास टोटल दो चॉइसेस हैं, या तो वो इसके सी के सबसेट में आएगा या नहीं आएगा, राइट, तो वो कितने एलिमेंट थे आपके पास? एन माइनस के। और ये के सी टू कौन से? वो दो एलिमेंट जो बी में भी हैं और इन सभी सेट्स में भी हैं, उनको कितने तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है? तो आएगा पास 2^n-k मल्टीप्लाइड बाई के सी टू, तो ये आपका एक फॉर्मूला बना। अब इसके बाद करना ये है कि हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो ऐसी मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, राइट, किसी भी वर्टेक्स, मतलब कितने किसी भी वर्टेक्स की मैक्सिमम डिग्री यहाँ पर क्या होनी चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये जो वो ये सभी सबसेट है जहाँ पर बी जो है उनसे कनेक्ट होगा, राइट, सो बी विल बी हैविंग एन एज, विल बी हैविंग एन एज विद दीज मैनी वर्टिसेस, बी जो है इतने वर्टिसेस के साथ एज होंगे, बिकॉज इतने ऐसे सेट होंगे जिनके साथ बी के सिर्फ दो एलिमेंट कॉमन है, राइट, तो यानी कि जो डिग्री वर्टेक्स बी है उसकी डिग्री होगी ये, सो दिस विल बी से कॉल्ड एज ए डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स, राइट। अब हमें बताना है कि जो ये जो वर्टेक्स है इसकी डिग्री जो है वो मैक्सिमम किस केस में होगी, इन विच केस दिस डिग्री विल बी मैक्सिमम। सो वट यू कैन डू इज टेक एनी वैल्यू ऑफ n which is greater than 6, यानी कि you can take n is equal to 6, 7, 8, 9 and so on, and then take a value of k, तो k की वैल्यू आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, right? इसकी वैल्यू मिनिमम 2 क्यों लेंगे? बिकॉज आउट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट ओनली यू कैन चूज 2 ऑब्जेक्ट, राइट, तो मिनिमम k की वैल्यू होगी आपके पास 2, तो what you can do is you can use this formula, तो let me write it again, तो formula आपके पास क्या बना? kc2 multiplied by 2^n-k. Now what you have to do is take n is equal to 6, 7, 8, 9 and so on, and take the value of k is equal to 2, 3, 4, 5 and so on. And then you have to check kis case mein you are going to get this maximum value. Ab check karne ke bhi do tarike hain. The first method is by doing differentiation. Differentiation. So you can differentiate this with respect to k. Right, so you can make d by dk, kc2 multiplied by 2^n-k and you can equate it to 0. So by differentiating it, aapko k ki value mil jayegi. This is one method. The second method is put the value of k, right? So second case mein let k is equal to 2, let k is equal to 3, let k is equal to 4 and then check what is the maximum value you can get. To usme aapko maximum value kya milegi, theek hai? So after putting these values, अगर आप इनकी value को put करते हैं, ठीक है, so let n is equal to 6 and k is equal to 2. So you can take the first case, second case is let n is equal to 7 and 6 and k is equal to 2. This is the second case. Third case, let n is equal to 6 and k is equal to 3. So this is 3 and this is 4. So every time you have to increase the value of k. Again, let n is equal to 6 and k is equal to 5. So you have to increase the value of k. ठीक है? तो अगर आप इन values को डालेंगे इसके अंदर, so this case will be 2c2 multiplied by
2 raised to power 6 minus 2. The second value will be 3C2 multiplied by 2 raised to power 3 minus 6 minus 3. This is going to be 6 minus 3. So, इस केस में आपके पास आएगा 4C2 multiplied by 2 raised to power 6 minus 4. इस केस में 5C2 multiplied by 2 raised to power 6 minus 5. And from all of these, you will identify that you are getting a maximum value in this case. आपको जो maximum value मिल रही है, वो सिर्फ इसी केस में मिल रही है. In other cases, you are not getting a maximum value. Therefore, the correct answer for this problem will be option number C. So you can see this question is very beautiful. बहुत beautiful question है, बहुत अच्छे तरीके से formulated question है. और इसको exam में काफी बच्चे ऐसे कम है, काफी कम ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने इस question को actual में attempt किया होगा. Okay, this question is quite difficult for the examination. But still the correct answer is option number C. ठीक है. Next question is, which one of the following is true for any simple connected undirected graph with more than two vertices? अगर किसी भी graph के अंदर दो से ज़्यादा vertices हैं, तो इसके में से कौन से statement true है? पहला, no two vertices have the same degree. This is false because हमने Hewell-Hakimi procedure किया था और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किसी भी graph में अगर दो से ज़्यादा vertices हैं, तो उस graph के अंदर दो vertices की degree same होगी ही होगी, right? तो यहाँ पर option number B है, at least two vertices have the same degree. This is true, Hewell-Hakimi procedure, as you can say. At least three vertices have the same degree. तो at least जो है वो two की degree same होगी, at least में three नहीं आएगा, ठीक है? So all vertices have the same degree. This might be true. ये true है, but आप check कर सकते हो जो option number B है, वो option number C को भी cover कर रहा है और वो option number D को भी cover कर रहा है. So option number D is a subset of option number B. Option number C is a subset of option number B. तो अब यहाँ पर जो answer देंगे, that will be option number B. So option number B is a correct answer for this given question. Next question is, the degree sequence of a simple graph is a sequence of the degree of the nodes in the graph is decreasing order. Which of the following sequence cannot be the degree sequence of the graph? So basically, यहाँ पर उन्हें Hewell-Hakimi procedure को ही पूछा है, and we have already covered the Hewell-Hakimi procedure in our class. Let me solve the question. तो first आपके पास है 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2 and 1. So during in Hewell-Hakimi procedure, अगर आपने नहीं पढ़ा है, if you are looking at this video, अगर आपने Hewell-Hakimi procedure नहीं पढ़ा है, go to my video and study Hewell-Hakimi. तो जैसे 7 है, so what you can do is 7 को अगर आप हटाएंगे, तो 7 vertices से हमें minus 1 करना पड़ेगा, right? So this value will become 5, 4, 3, 3, 2, 1 and 0, correct? Now you can see कि यहाँ पर odd degree के even vertices हैं. So again, if I remove 5, तो 5 vertices से हमें minus 1 करना पड़ेगा, right? So this value will be 3, 2, 2, 1, 0 and 0, right? Again, you can see कि यहाँ पर odd degree के even vertices हैं. अगर आप 3 को हटाएंगे, तो 3 vertices से हमें minus 1 करना पड़ेगा. So this value will be 1, 1, 0, 0, 0. अब you can clearly see, यहाँ पर अब आपके पास 2 even number of 1s आ चुके हैं. Now you can clearly see, कि for this, you can create a graph and this sequence is graphical. ये sequence जो है वो graphical है. So option number 1, the first sequence is graphical. ठीक है? Let us look at the second sequence. Second sequence is 6, 6, 6, 6, 3, 3, 2, 2. तो सबसे पहले चीज क्या देखना है? कि यहाँ पर odd degree के even number of vertices होना चाहिए, which is true. Now let us apply Hewell-Hakimi. 6 को हटाएंगे, तो हम 6 vertices में से we are going to subtract minus 1. तो value will be 5, 5, 5, 2, 2, 1 and 2. So again you can sort it, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा. Now अगर हम 5 को हटाएंगे, तो 5 vertices minus 1 करना है. So this value will become 4, 4, 1, 1, 1, 1. Now again 4 को हटाएंगे, तो minus 1, 4 vertices में से हमें करना है. So this value will become 3. This will become 3, 0, 0, 0, 1. Again, आप इसको sort करेंगे, so it is 3, 1, 0, 0, 0, right? तो अब आप check करेंगे, अगर आप 3 को हटाएंगे, तो आप 3 vertices minus 1 करेंगे, so value will be 0, -1, -1, 0. अब because हमारे पास ऐसे दो vertices हैं, जिनकी degree negative आई है, vertices cannot have a negative degree, therefore option number 2 cannot be created, okay? तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो पहला सीक्वेंस है वो ग्राफिकल है, सेकंड सीक्वेंस ग्राफिकल नहीं है. तो इसी से आप दो ऑप्शंस को तो यहाँ से ही एलिमिनेट कर सकते हैं. अब जैसे चांस बिटवीन ऑप्शन नंबर ए एंड डी,
तो ए में क्या फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट हमने देखा वो ग्राफिकल है, तो यानी कि हमें डायरेक्टली सिर्फ फोर्थ को चेक करना है. तो फोर्थ को चेक करते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ चेकिंग द थर्ड वन. तो हमारे पास आ रहा है 7 8 7 7 6 4 2 1 एंड 1. अगर हम 8 को हटाएंगे तो 8 वर्टिसेस में से हमें माइनस 1 करना पड़ेगा. और आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर टोटल ये जो माइनस 1 है उसको आप किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. तो देख सकते हो जो फोर्थ है वो भी ग्राफिकल नहीं है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ सीक्वेंस आर नॉट ग्राफिकल. नाउ दिस इज अगेन अ डायरेक्ट थ्योरम. दे आर आस्किंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ. पहला, द नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस इज इवन. किसी भी ग्राफ में नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस इवन होते हैं, दिस इज ट्रू. हमने इसको चेक किया था. सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑड वर्टिसेस आल्सो इवन, दिस इज आल्सो ट्रू. ये डायरेक्ट थ्योरम्स हैं फ्रॉम योर बुक. तो जो पी एंड क्यू बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है इस केस में. अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम हैवेल हैकमी प्रोसीजर. उन्होंने चार सीक्वेंसेस दिए हैं. दे आर आस्किंग विच ऑफ दिस सीक्वेंस इज ग्राफिकल. इसमें से कितने सीक्वेंस जो है वो ग्राफिकल है. तो जो पहला सीक्वेंस है उसमें सभी वर्टिस की डिग्री वन है, यानी कि नंबर ऑफ वर्टिसेस आर शुड बी इवन. तो 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस है जिनकी डिग्री वन है, विच इज ट्रू. तो ये ग्राफिकल है, दिस इज ग्राफिकल. आप इसका ग्राफ बना सकते हैं. सेकेंड केस में सभी वर्टिसेस की डिग्री 2 है, तो लेट अस चेक कि ये ग्राफिकल है कि नहीं है. तो वी हैव 2 2 2 2 2 एंड 2. तो अगर आप इसको हटाएंगे दो वर्टिसेस माइनस 1 करेंगे, सो इट विल बिकम 2 2 2 1 1. अगर आप इसको हटाएंगे दो वर्टिसेस में से माइनस 1 करेंगे, सो दिस विल बिकम 1 1 1 1. अगर आप चेक कर सकते हो, देयर आर इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस विद डिग्री 1, तो बी इज ऑल्सो ग्राफिकल. अगर आप थर्ड को चेक करेंगे, सी को, तो सी में क्या आपके पास There are odd degree के even vertices है. तो let us check. इसको अगर हटाएंगे तो 3 vertices minus 1 किया, so this will become 2 2 0 0 0. अगर इसको हटाएंगे तो minus 1 यहाँ से होगा, लेकिन इस वजह से हमें minus 1 एक negative value आ जाएगी. यानी कि इस केस में आप option number C के लिए graph नहीं बना सकते. option number C is not graphical. यहाँ से option number C जो है वो graphical नहीं है. Let us check for option number D. तो we have 3 2 1 1 1 0. तो 3 को अगर आप हटाएंगे, 3 vertices में से minus 1 करना है, so 1 0 0 1 0. और यहाँ पर चेक कर सकते हो, there are even vertices of degree 1. तो यहाँ पर इसको भी graphical किया जा सकता है, इनकी इसके लिए भी graph बना सकते हैं. Only for option number C you cannot make a graph. Option number C is not graphical. ठीक है. So now let us look at this question. It is also a very interesting question here. So what they are asking is, G is an undirected graph with n vertices. एक graph के अंदर n vertices हैं and 25 edges such that each vertex of G has a degree of 3. हर एक vertex की जो degree है वो 3 है, यानी कि आपके पास total degree कितनी होगी, आपके पास 3n. और total edges कितनी है आपके पास, 25. तो हर एक एज जो है वो डिग्री में दो बार कंट्रीब्यूट करती हैं, यानी कि 25 × 2 शुड बी इक्वल टू 3n. ठीक है, तो ये कहाँ से आया आपके पास, दिस इज एवरेज डिग्री थ्योरम. एवरेज डिग्री थ्योरम कहो, या फिर ये कहो कि हर एक एज दो बार डिग्री के साथ कंट्रीब्यूट करती हैं. तो आप इसको चेक कर सकते हो, नंबर ऑफ डिग्री मल्टीप्लाइड बाय, मतलब यहाँ से भी क्या आएगा आपके पास, टोटल डिग्री. ये भी टोटल डिग्री है क्योंकि हर एक एज दो बार डिग्री में कंट्रीब्यूट करती है, सो 25 × 2. और ये भी क्या आएगा आपके पास, टोटल डिग्री. अगर हर एक वर्टेक्स की डिग्री 3 है और n वर्टिसेस है, तो आपके पास 3n आएगा. दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए. नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है. तो आप यहाँ से देख सकते हो, इट विल बी 50 इज इक्वल टू जो नंबर ऑफ वर्टिसेस है, ऑब्वियसली वो ज़्यादा होने चाहिए. सो यू कैन सी 50 नंबर ऑफ वर्टिसेस शुड बी ग्रेटर देन दिस. सॉरी, दिस इज, दिस शुड बी दिस वे. ओके, लेट मी डू इट दिस वे. तो अभी हमने इक्वल टू साइन लिया है, बट अगेन आप इसमें इक्वल टू साइन की जगह पर यू कैन ऑल्सो यूज दिस मिनिमम डिग्री थ्योरम. सो विच इज अल्फा इज इक्वल टू 2 × नंबर ऑफ वर्टिसेस डिवाइड बाय वी इज लेस देन इक्वल टू बीटा. सो दिस इज मिनिमम डिग्री, दिस इज एवरेज डिग्री एंड दिस इज मैक्सिमम डिग्री. तो आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते थे, और आप यहाँ से भी कुछ वैल्यू को निकालेंगे. सो विल गेट 50 इज इक्वल टू 3n. So n is equal to 50 divided by 3, which is equal to 16.667. But यहाँ पर जो है हमें equal to sign मिला है, we cannot find कि less than or equal to sign हमें नहीं मिला. अब less than or equal to sign कैसे मिलेगा हमें, so उसके लिए तो हमें बताना है कि हर एक vertex की degree 3 है, has at least 3. हर एक vertex की degree है वो at least 3 है, it is not exactly. तो ये जो word है at least, इसको कभी नहीं mix
मिक्स करना चाहिए, दिस इज एटलीस्ट 3, राइट। तो यानी कि इन्होंने जो मिनिमम डिग्री है अल्फा वो गिवन है, सो वी नो कि मिनिमम डिग्री अल्फा जो है वो 3 है, और एवरेज डिग्री कितनी होगी, 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस विच इज 25 डिवाइड बाई नंबर ऑफ वर्टिसेस विच इज एन। तो यानी कि हम इस पार्ट का यूज करेंगे फॉर्मूले का, सो यू कैन से 3n इज लेस देन इक्वल टू 50, सो यू कैन से n शुड बी लेस देन इक्वल टू 16.667, राइट। अगर आप इसमें अगर ये क्वेश्चन होता एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली में आंसर होता आपके पास टोटल 16, अगर एटलीस्ट है तो एटलीस्ट का मतलब है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है वो 16 से कम होना चाहिए, राइट, लेस देन और इक्वल टू 16, सो द करेक्ट आंसर इज 16, ठीक है। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन वॉज यूजफुल फॉर यू। Hello everyone, in this video we will be solving again the previous year questions related to the graph theory. We have seen the first part of this video and this is the second part of that same series. Now in this video we will be starting with graph coloring. Let us read the question. The minimum number of colors required to color the vertices of a cycle with n nodes in such a way that no two adjacent nodes have the same color. Let me explain you the problem first of all. See, you can have a graph with a cycle. For example, this is a graph which is having a cycle, okay, and this is a graph which is having three vertices, vertex A, vertex B and vertex C. In the same way, we might be having a graph with four vertices, so which is again the vertex A, vertex B, vertex C and vertex D. Now this is a cycle with five vertices. Okay, so vertex A, B, C, D and E. Now if you look at these graphs, so you can see here for this graph the chromatic number of this graph is going to be 3, right? So chromatic number is 3 in this graph, and in this graph the chromatic number is 2, and in this graph the chromatic number is again 3. See, whenever you have a graph which is having a cycle of odd length, in that case the chromatic number is 3, and if you have a graph with a cycle of even length, in that case the chromatic number is 2. So chromatic number is what is the minimum number of colors required to color the vertices of a graph in such a way that no two adjacent vertices are having the same color. Okay, this is what chromatic number says. So if I color green to the vertex A, if I give a color blue to the vertex B, then I have to give a color blue to this vertex C. So A, B and C, as you can see, these three vertices are having different colors. In the same case, here I can give vertex A as this color, and I can give the same color to vertex C, and I can give a color to vertex B, and here I can give a color to vertex B. So you can see minimum number of two colors are required, therefore chromatic number is 2. And in this case, if I can give a blue color to this, I can give a blue color to this, and I can give a maroon color to this, again I can give a maroon color to this, and then I need one more color to color this last vertex E, right? So in case of a graph which is having even cycle, for even cycle graph the chromatic number is 2, for odd cycle graph the chromatic number is 3. Now here they are asking, what is the chromatic number, or what is the number of colors required to color a graph if the total number of nodes are n? So if the number of nodes are n, then for odd number graph you need number of colors as 3, for even number graph you need number of colors as 2. So obviously A, B and C cannot be an answer, but again let us check with option number D. So for this case it is 3 minus 2 into floor value of 3 divided by 2 plus 2, which is again equal to 3 minus 2 into, and this floor value 1.5 floor value is 1 plus 2, which is again 3 minus 2 plus 2, which is equal to 3. So you need 3 colors as a chromatic number, or you can say 3 colors to color this graph. In the same way, if I check out this graph, so here the number of vertices are 4. So just apply this formula. So 4 minus 2 into 4 divided by 2
plus 2 which is equal to 4 minus 2 into 2 plus 2 which is again 2. So you can see the chromatic number of this graph is 2. In the same way, if you look at this graph, so it is 5 minus 2 into 5 divided by 2 plus 2 which is equal to 5 minus 4 plus 2 which is equal to 3. So you can see the chromatic number is matching for this graph also. So if the value of n is even, then you will always get 2 as the answer in option number D. If the value of n is odd, then you will always get 3 as the answer in option number D. Okay. Now let us look at this question. The minimum number of colors required to color the following graph such that no two adjacent vertices are assigned the same color. Okay. And again, this problem is from the chromatic numbers. We have already seen this problem before. So the very simple way of solving this problem is that you can take a color and you can start coloring the vertices. You can pick any color. So let us suppose if I pick a color black, so I can color this initial vertex as black, and then I have to give a different color to all the adjacent vertices. Okay, so I have to give a, let us suppose if I give a color blue to this, then I cannot give a color blue to this vertex. I have to give a separate color, right? Again, I can give a blue color to this again, but again let me choose one more color. So I can give a, okay, let me try and do this way. So if I give a color which is again blue to this vertex, and if I try and give a color to maroon to this vertex, okay, if I do this way, so I can color this vertex as black, and I can color this adjacent vertices as green. And now I can color this vertex as, I cannot color black, green, I have to choose a different color here. So let's suppose this color might be the gray color. So I can give a gray color to this. Okay. So in this way, you can check how many colors are there. 1, 2, 3, 4 and 5. So total of 5 colors are required. But again, is there any scenario possible where we need less than 5 colors? Let us see. So if I give a black color to this, then I can give a blue color to this, I can give a maroon color to this, and then I can again give, let us suppose I can give a blue color to this, and here I'm giving a green color to this vertex. Okay, now I've used how many colors? I've used 4 colors. Now I can take the black color again. So after taking the black color again, I can give this vertex as green color, and I can give this vertex as maroon color, and then the remaining vertex I can give a black color. Now you can see the total number of colors that I've used to color this graph is 4. So 4 is the correct answer. So for this particular graph, you need a minimum of 4 colors to color all the vertices. Okay. So I hope that you got the answer. Now let us look at the next question here. This is a very, very interesting question. And let us understand the question first. It's a very beautifully framed question. Okay. Consider the undirected graph G defined as follows. The vertex of G are bit string of length n. So let us suppose we have bit strings, right? So let us suppose n is equal to 3. So how many bit strings of 3 are there? So we have 0, 0, 0, 0, 0, 1. 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1. So there are of 2 raised to power 3 strings are possible. 2 raised to power 3 strings are possible. In general, which is equal to 2 raised to power n. Which is equal to 2 raised to power n. Now, we have an edge between a vertex u and a vertex v if and only if u and v differ by exactly one bit position. That means, for example, if you take this bit and if you take this bit, there's a difference of only one bit. Only one bit is a different, right? But if you take this one and this one, you can see there's a difference of 2 bits. So obviously there cannot be an edge between those bits, right? Now, the ratio of chromatic number of graph G to the diameter of G. Okay, so we have to find what is the chromatic number of this graph and what is the diameter of this graph. Now if you look at this graph, so there are two things that will come into your mind. The first thing that will come in my mind is basically a K-map, because in K-map we use cyclic codes, and these cyclic codes are the codes which are differing by one bit only. So this will look some similar to a K-map. Secondly, there's something called as cube.
hypercube. So there's a hypercube. Okay, let me show you what is a hypercube. So we can make a hypercube. In a hypercube, we connect those edges which are differing by only one bit. Okay, let us suppose we have hypercube where n is equal to 1, that means you have only one bit. So in that case, this is representing a bit 0 and this is representing a bit 1, and we can connect these two edges. Okay, so this is a hypercube of 1 bit. So if I take 2 bits, so in that case, the possible combinations are 00, 01, 10 and 11. So in this case, again, we have to connect those vertices which are differing by 1 bit only. So here we have a difference of 1 bit, here we have a difference of 1 bit. Here we have a difference of 1 bit, and here also we have a difference of 1 bit. We cannot connect 00 with 11. Why? Because there's a difference of 2 bits. And then if I say n is equal to 3, in that case, what are the possible cases? These are the possible cases. Then I can write it this way. We can have 000 here. Then we can have 001 here. We can have 010 here. And we can have 100 here. Okay. Or instead of taking 100, okay, I can take 100. And we can also have bits like we have 011. We can have 110, we can have 101. In the same way, we can have 111. So we have to connect those vertices which are differing by 1 bit only. So here there's a difference of 1 bit, 1 bit and 1 bit. And here you can see there's a difference of only 1 bit. And here you can see there's a difference of only 1 bit. And here you can see there's a difference of only 1 bit. And here also you can see there's a difference of only 1 bit. And you can see here there's a difference of 1 bit. And here there's a difference of 1 bit, and you can see between them there's a difference of only 1 bit. So we get a graph like this. But if you look at this graph carefully, you can also rearrange this graph in a separate manner. You can also draw the same graph in this manner, okay, where this vertex is representing 000, this vertex is representing 001, this is 101, this is 100, this is 111, this is 011, this is 110, and this is 010. So this graph and this graph, both are exactly the same. Both these graphs are same. So it is more like I have drawn this graph in a two different manner. Okay. So you can easily see how you can draw a hypercube. Okay. Now we also know that for a hypercube, hypercubes are bipartite. We हमें already पता है कि जो हमारे hypercube है ये bipartite है. We have already covered this in the graph theory. So hypercubes are bipartite. That means you need only two colors. You need only two colors to color the hypercube. तो आपको सिर्फ दो colors की requirement है. Okay. And what is the diameter of hypercube? So when you look at a hypercube, the diameter of hypercube is n itself. Okay. So for example, for any vertex, maybe if I take this vertex or if I take this vertex, if I take any two vertices, what is the diameter? So you can take a diameter, you can go to this path 1, 2 and 3. You can go to any path, you need 3 edges for this, okay? Now if you take this and this, so you need only 2 edges to go to this path, right? So if you take any two edges, so diameter is n itself. So they are asking what is the ratio of chromatic number of the graph and the diameter. So the ratio is going to be 2 divided by n. Why? Because these hypercubes are bipartite and this maximum distance or the diameter here is n. Okay, so diameter is basically a maximum eccentricity. So I think you already know the diameter. We have already covered the diameters in previous video. So correct answer is option number C for this given question. Now let us look at this question. In this question, they are asking that what is the chromatic number of the following graph. So what is the chromatic number? Is what is the minimum number of colors required to color all the vertices of the graph. So I can take two different colors. So let us suppose I take a color red. I can color this vertex as red, and I have to give a different color to its adjacent vertices. So let us suppose I give a color yellow to this. I can give a color yellow to this, and again I can give a same red color to the other vertices which are not adjacent. I can give a red color here, I can give a red color here, as well as I can give a red color here, and then I can use a yellow color in these cases. And then you can clearly see that this last vertex here, I cannot give a red color because it is connected using this edge. So because of that, I have to use a different color here. So you can see the chromatic number of this graph is going to be 3.
So you need minimum of 3 colors to color all the edges of this graph. So it is 3. Okay. Now this question is again very interesting question. They are saying, what is the chromatic number of an n vertex simple connected graph which does not contain any odd length cycle? So we need a graph which does not have odd length cycle, right? So, and they are saying the n is greater than 2. So we can say number of vertices can be 3, number of vertices can be 4, number of vertices can be 5, number of vertices can be 6, number of vertices can be 7, and so on. So if you have 3 vertices, so this is a simple connected graph with 3 vertices, but you can see the cycle in this graph is an odd length cycle. It is a odd length cycle, right? So obviously I cannot choose this graph. So again, this is one more graph, and here the cycle is an even length cycle. This is an even length cycle. See, first of all, you should know what is a simple connected graph. Simple connected graph means a graph which is not containing a self loop and which is also not containing parallel edges, right? So even if I try and draw a graph here, so even if I try and draw a graph here like this, so this is also a simple graph, but the problem is here we got a cycle which is an odd length cycle, right? Or even if I try and draw a complete graph like this, so here in this case you have odd length cycle. So have this is odd length cycle, this is an odd length cycle, this is an odd length cycle, and this is an odd length cycle. So I cannot have a graph here which is having an odd length cycle. So only this graph is acceptable, these two graphs are not acceptable. Even though these two graphs are simple graphs, but they are not acceptable for this given question. So if I have number of edges as 5, so obviously there will be an odd length cycle here if you make it connected and simple graph. So this will be odd length cycle, so I'm going to reject it, right? But if I make a graph like this, so you can see here we have an even length cycle, okay, even length cycle, and this graph is also connected. Right, in the same way you can also connect it in many other fashions, many other ways. And if you have 6 vertices, you can have this graph. So here it is having even cycle, or you can have this graph. So again here it is having 6 vertices and it is also having even length cycle. And they're asking what is the chromatic number for these graphs. In graphically chromatic number kya hoga? So you can see for this graph the chromatic number is 2. So you need only 2 colors to color the vertices of this graph, right? For this graph also the chromatic number is 2, so you can give a color to this vertex, or let us try and give a color. So I can give maroon color to this, I can give a maroon color to this, I can give a maroon color to this, and I can give a maroon color to these vertices, right? And then for this graph also, this is a even length cycle, so I need 2 colors only. This is exactly the theorem that we have covered. The very first question, if you remember it, you know that if your graph is having an even length cycle, for even length cycle the chromatic number is always 2. Okay, so here you need only 2 colors to color this graph. Chromatic number is always 2 if you have an even length cycle. If you have an odd length cycle, then the chromatic number is going to be 3. Okay, so even if you look at this one, so here you can give a chromatic number which is 2. I can give a maroon color to this, and then I can give a blue color to this, right? I can give a blue color to this, I can give a blue color to this, and then I can also give a maroon color to this, right? So in this way you can see the chromatic number is always 2. So there are two ways. Either you can prove this in the exam, so you can prove using various theorems, you can reason using various theorems, or you can make diagrams like this and then you can try and see what is the chromatic number that you are getting. The problem is when you try and prove this in the examination, it is going to be very difficult and it is going to be very time consuming. Very difficult and time consuming during the examination. But if you create the graphs like this, maybe after 2 or 3 minutes you will be getting the answer very easily. So the answer for this problem is very simple. The answer is 2. Option number A is the correct answer for this given problem. I hope that you understood the problem, and if you have any doubt you can ask me. But what I've done is how I solve this problem, I've taken trials, I've taken a few examples, and then I try to identify if I can get a graph like this, right? So the correct answer is option number A, which is 2. Next, the number of colors that is sufficient to vertex color any planar graph. So aapko pata hai, if we have already discussed in our videos, so here they are asking the minimum number of colors, but
any planar graph. So there are two problems. First student will see, sir, this is also a planar graph, which is having only vertex one, right? And for this graph only one color is required. But you can see they're asking about any planar, koi bhi planar graph hona chahiye. What is the minimum number of color required for that planar graph? And this is exactly a direct theorem from your Kenneth H. Lawson book. The correct answer is 4. Direct theorem from the book. It is not a special difficult question. Now here they are asking, what is the chromatic number of the following graph? Again, very simple question. What you have to do is, you have to take colors and you have to start coloring these vertices. Okay, so I can take one color. Let us suppose I take a maroon color, and then I'll try and color this first vertex as red. I can color this vertex as red, and I have to color all the adjacent vertices at some other color. So I'm going to color this as blue. And so let us suppose I am going to color this as blue. Okay, so again there's a trick here, because if you try to color this blue, you cannot do it. You cannot color the vertex C as blue, because this is adjacent to both the blue colors. So I have to choose a separate color, let us suppose, which is green. So this is a green color. Then again I have to choose a maroon color for D. So this D is maroon. And then now for this vertex F, again I can choose a green color. So vertex F ke liye bhi main dobara se green color ko choose kar sakta hun, right? So you can see, what is the number of color required? So the number of color required in this case is 3. So correct answer for this problem is 3, right? So I hope that you got it. If you have any doubt, you can ask it. So the chromatic number for this graph is 3. So the question is, the maximum possible edges in an undirected graph with n vertices and k components. So these kind of questions we have also done before. When can we have that, when can we have a maximum possible edges in an undirected graph with k components, is that if one set is connected and all the other sets are disconnected. Let me show you with the help of example. So let us suppose that we have number of edges, the vertices are 5, and number of components is equal to 1. So we figure out the solutions one by one. Okay, so in this case you can have total of 5 edges, right? So here the maximum number of edges in this case will be, what is the maximum number of edges? So that is going to be 10, because it is a complete graph with 5 vertices. So number of edges are going to be 10. Okay, but what if we have 2 components? Then we say the complete graph with 5 vertices and number of components are equal to 2. Now there are many scenarios are possible. What are the scenarios that are possible? We can have one scenario where we have 4 vertices, which all these 4 vertices are connected to each other, and this is a complete graph, and there's one vertex which is not connected. Okay, so this is one possible case where number of components are 2 and number of vertices are 5, therefore the number of edges will be 6. So what can be a second scenario? A second scenario can be something like this, that we have two complete graphs here. So in the first graph we have 3 vertices, in the second graph we have 2 vertices. So in this case again the number of components are 2, but number of edges are 4. What can be the third case? So we can have a third case where we can have the number of components are 2. I guess this is the only possible 2 cases, right? So these are the only 2 possible 2 cases in this case. But what if we say that this n is equal to 5 and number of components are 3. So what is that possible cases? So what is the first case? The first case that is possible is that 3 components are there. So that is, one vertex is here, one vertex is here. These 2 vertices are not connected with each other, and these 3 vertices are basically connected with each other, right? So here number of edges will be equal to 3. Okay, so what can be a second case? We can have a second case here where we have 2 vertices here which are connected, 2 vertices here which are connected, and this is one vertex. So here the number of edges is equal to 2, right? So this is, again you can clearly see here we are having a maximum number of edge, here we are having a maximum number of edge. So in any case if I say that we have total of n vertices, if I say we have total of n vertices and we have k edges, in any of these we have k components, not edges, this is k components. So in any of these cases what will happen is, we have all these k minus 1 edges,
So all these k minus 1 vertices which are not connected with each other, and all the other remaining vertices. So how many vertices will be remaining out of these total n? Or I can draw the diagram in a much better way. Let me just draw the diagram. So this is the complete graph. So we can have total of k minus 1 vertices. So these all are basically k minus 1 vertices which are not connected with anyone. These are k minus 1 vertices, and the last, all these vertices which are remaining, all the vertices which are remaining here. So how many vertices are remaining? So these vertices that will be remaining, they will be n minus k. So this is n minus k vertices are remaining. Okay, so n minus k plus 1, I should say, because the k minus 1 vertices are there, so it is n minus k vertices are remaining. Now if I can make a complete graph, if I can make it a complete graph, then I can get the maximum number of edges. So what is the what will be the number of edges in a complete graph with these many vertices? So the number of edges will be n minus k plus 1 c2. This is something that we have already seen in our classes, and so in a complete graph, in a complete graph with n vertices, we have total of n c2 edges, which is also equal to n into n minus 1 divided by 2. So in the same way, here we have n minus k plus 1 vertices, so this value, these many edges will be there, right? So you can calculate this value, and that will be the solution for this given problem. So I hope that you understood this problem. Now let us look at the next problem. Now this is again a very, very interesting problem. Here what they are trying to say is, consider a simple connected graph G with n vertices and n edges. So number of edges and number of vertices are greater than 2. Which of the following statements are true? See, the first statement is G has no cycle. The second statement is graph obtained by removing any edge from G is connected. G has at least one cycle. The graph obtained by removing any two edges makes the graph connected. See, whenever we have a graph, so in a graph, if the graph is connected, in that case, the minimum number of edges will be number of vertices minus 1. Okay, so if I say there are total of n vertices, in that case the minimum number of edges will be n minus 1. Okay, and the maximum number of edge that the graph will be having is n into n minus 1 divided by 2, which is also equal to n c2. So this will be a complete graph. And here this will be representing a tree. Okay, so tree which is having no cycles, and this graph is a connected graph. Now they are saying that we have n vertices as well as we have total of n edges. Instead of n minus 1, we have a total of n edges. So obviously if we have n edges and n vertices and it is a connected graph, that means there will be one cycle. Not at least, there will be one cycle in the graph. Okay, so if you remove one edge, again the graph will not get disconnected. Graph jo hai wo disconnected nahi hoga. Okay, so graph will still be connected, fine. So but if you remove two edges from here, if we remove two edges, in that case the number of edges will become n minus 2. So that means the graph will become disconnected, because in a connected graph the minimum edges should be n minus 1, but here the edges will become n minus 2. Okay, so they're asking which of the following statement is true. The first, graph has no cycle. This is false, because obviously if there are n edges, obviously the graph should be having cycle, right? If the number of edges are n minus 1, the graph will not be having any cycle. Option number 2, the graph obtained by removing any edge from G is not connected. This is also false, because in that case the graph can become a tree. So it is not always the case. Sometimes the graph might get disconnected, but again the graph can become a tree. Then graph has at least one cycle. This is true, so I should say it is not one, it should be at least one. So there can be at least one cycle in the graph. And then option number D, the graph obtained by removing any two edges from the graph
जी इज नॉट कनेक्टेड, दिस इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज इफ यू रिमूव टू एजेस सो देर विल बी टोटल ऑफ एन माइनस टू एजेस एंड अगेन इट विल नॉट फॉर्म अ ट्री. सो ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी बोथ आर ट्रू फॉर दिस गिवन क्वेश्चन. नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ एजेस इन अ रेगुलर ग्राफ और डिग्री डी एन एन वर्टिसेस. अगर आपके पास एक रेगुलर ग्राफ है जिसके अंदर डिग्री डी है और टोटल एन वर्टिसेस हैं तो उसके अंदर कितनी एजेस होंगी. सी व्हेन आई से रेगुलर ग्राफ मीन्स द डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इज सेम. द डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इज सेम इन अ रेगुलर ग्राफ, राइट. एंड वी नो देयर इज अ डिग्री थ्योरम. आई मीन सो दैट इज वी नो दैट एवरी एज contributes two in the degree, right. So that means if we do something like this, 2 into number of edges in the graph, so that will be equal to degree of all the vertices in the graph. So degree of all the vertices in the graph, so all the vertex 0 to vertex and all the vertices in the graph, right. So here we can find out this sum very easily. So this sum will be d into n. So this is 2 into number of edges will be equal to d multiplied by n. Therefore the number of edges will be equal to d multiplied by n divided by 2. It is a very simple question and you can easily solve it by the same basic theorems. So let us look at the next question. Here they are saying the minimum number of edges in a connected cyclic graph with n vertices. So total you have n vertices, right. So this is number of vertex, if this is equal to 4, so vertex number 1, vertex number 2, vertex number 3 and vertex number 4, and it is a cyclic graph and they are asking minimum number of edges. We cannot have n minus 1 edges because that will make it a tree. So the minimum number of edges in this case is going to be 4, right. If the number of edges is equal to 3, which is equal to n minus 1, then it will make it as a tree. So in any connected cyclic graph with n vertices, there will be a total of minimum of n cycles. I mean, there will be minimum of n edges. And what is the maximum number of edges? So maximum number of edges will be n into n minus 1 divided by 2. So this is the maximum number of cycles, this is the maximum number of edges, and this is the minimum number of edges, which is n in a connected cyclic graph. Okay. Very simple and straightforward question. Let us look at this question. The number of articulation points for the given graph. Look, what is articulation point? Articulation point is that if you remove that point from the graph, then the graph will become disconnected. Okay. So let me show you, let me draw the graph once again here. So this is the vertices. This is your graph, right? So if you remove any vertex from the graph, then if that makes it a disconnected graph, then we can say that is an articulation point, right? So for example, if I remove the vertex number 2, so if I remove the vertex number 2, then this vertex number 4 will not be connected with anyone. So you can see in that case, the graph will become disconnected. So that vertex number 2 is an articulation point. Okay. In the same way, if I remove the vertex number 3, if I just remove the vertex number 3, so after removing the vertex number 3, again you can see the graph will become disconnected. So there will be two components in the graph. In the same way, if I remove the vertex number 5, if I just remove this vertex number 5, again you can see the graph will become disconnected because when I remove the vertex number 5, then I also have to remove this edge. So again, the number of components will become 3. So basically, there are 3 articulation points here. The first articulation point is 2, the second articulation point is 3, and the third articulation point is 5. If you remove these vertices or any one of these vertices, then the graph will become disconnected. So correct answer for this problem is D, which is 3. So the maximum number of edges in an n node undirected graph without self loop. So I believe we have already solved this question many times so far. So it is NC2, or you can say n into n minus 1 divided by 2. From both of them you will get the same value. So correct answer is option number B. Very straightforward and direct question. There's no, you don't have to spend a lot of time on this question. This is a very time saving question. Okay. Now let us look at this question. It's also a very interesting question here. Let G be an arbitrary graph with n nodes and k components. If a vertex is removed from G,
then the number of components in the resultant graph must necessarily lie down between. So you have a total of n nodes and k components, right? So these k components can be drawn in any way, any fashion, right? So what you can do is, so let me make an example here. Let me take an example. I can take, let us suppose we have this graph. So it is a star graph, and here the number of components are 2. We also have this graph, which is having a complete graph here, and this is also a complete graph, right? So this is again, here the number of components are 2, here the number of components are 2. And we can also have this graph where these are the vertices, and there are total of, let us suppose, n vertices, and there are total of n components, right? So because none of these vertices is connected. Now they are asking, there are n nodes and k components. So in this last case, we have n is equal to k. Here in this case, the number of vertices are going to be 7 and the number of components are 2. And in this case, the number of vertices are going to be 3, 3, 6, 7 and number of components are again 2. Now, if a vertex is removed from G, the number of components in the resulted graph must lie down between which of the following? If you remove one vertex, then how many number of components can be there? So if you look at the very first graph, if I remove this vertex, if I just move number this vertex, then the number of vertices will become 6 and number of components will also become 6, right? In that case, the number of components will become n minus 1, right? So this is the case which is possible, right? And if I take this graph, now in this graph, if I remove one vertex, again the number of components will become here n minus 1. Right, so in both these cases, so here the number of components again, here will it will become n minus 1, and here also if I remove one vertex, then again the number of components will become n minus 1. But what if we have a graph in such a way that it is a complete graph? Fine, so that means this is, here in this graph we have two complete graph. Now if I take down any vertex here, any vertex here whatsoever, you can take any one vertex here, and still the number of components will become 2. Number of components are still 2, right? So in this case, the number of components are not getting decreased, the number of components are exactly the same. Okay, so or let us suppose if I, so in that case, if let us suppose if we have this graph which is having a total of 5 vertices, right? And this is completely connected, and so number of vertices are 5 and number of components are 2. Now in this case, if I remove this vertex, so the number of components will become 1, right? So what will happen in any case, if we have a graph where we have two components, where the first component is a complete connected graph and second component is an isolated vertex, in that case number of components will decrease by 1. And in any graph which where none of these components or none of these vertices are connected, in that case if I remove one vertex, so number of components will become n minus 1, right? So that means the correct answer will be option number C, that number of components will be between these two values. Okay, so correct answer will be option number C. I hope that you understood this, but if you could not understand, let me also try to explain the same question again. Okay, so we have two possible cases, two boundary cases. We have two boundary cases here, right? So what are the boundary case? I'm explaining the same question again, but in a simpler language. So in the first boundary case, we have a total of n vertices. We have total of n vertices and number of components are also n. In the second case, we have total of n vertices, right? There are n vertices and number of components are is equal to 2. Now in the first case, if you remove one vertex, then the number of components will become n minus 1. In the second case, if you remove one vertex, the number of components will become 1, which is equal to k minus 1. So what can happen here is that whenever we have n nodes and k components, in that case, if you remove one vertex, then the number of components in minimum will be k minus 1 and in maximum will be n minus 1. So that is why option number C is a correct answer for this problem.
Now let us look at this question. What is the number of vertices in an unlighted connected graph with 27 edges, 6 vertices of degree 2, 3 vertices of degree 4 and remaining of degree 3? Okay, let us solve this question. So they are having total of 27 edges. So we know the sum of the degree theorem. So we know 2 into number of edges. Let me just write it. 2 into number of edges will be equal to degree of every vertex multiplied by number of vertices, or you can say you can also modify this formula: 2 into number of edges is equal to summation degree of all the vertices, degree of all the vertices from vertex number 1 to n, right? So this is the formula that we know. So here we know that the total number of edges are 27. So it is 2 into 27 is equal to 6 vertices of degree 2 plus 3 vertices of degree 4 plus there are x vertices of degree 3. Now this will be 54 is equal to 12 plus 3x, and this value is going to be how much? This is going to be 30 is equal to 3x, therefore x is equal to 10. So you can see there are total of 10 vertices of degree 3. Now they're asking what is the number of vertices. So number of vertices will be 6 plus 3 plus 10, which is equal to total of 19 vertices. So correct answer will be option number D, where we are going to get total of 19 vertices in this case. Now what is the maximum number of edges in an acyclic untitled graph with n vertices? So because they are saying it is a acyclic graph and it is also undirected graph, that means it is a tree. Now for a tree with n vertices, there are total of n minus 1 edges. We already know this. It is a very straightforward question which will save a lot of your time in examination. So correct answer is option number A. Okay. So let us look at this question. They are saying let G be a simple graph with 20 vertices and 100 edges. The size of minimum vertex cover of G, so this is minimum vertex cover of G is 8, and the size of maximum independent set is, what is the maximum independence set? So first of all, you should know what is a vertex cover. You should know what is a vertex cover. You should know what is an edge cover. Then you should know what is a independence set or independent set, and you should know what is an independent number. Okay, independent number or independence number, both of the things are same, right? Now in this case we only need the vertex cover and we only need the independent set. So I'm going to explain what is the independence set and vertex cover, and these two things I'm not going to explain because I've already covered them in my classes or examples. So let me show you what exactly is a vertex cover. So if we have a graph like this, I'm just drawing any random graph with any vertices like this. So this is just a random graph. Okay, this is vertex 1, vertex 2, vertex 3, vertex 4 and vertex 5. Vertex cover means what is the minimum number of vertices are required so that every edge can be covered. Let me show you. If I take the vertex 1, in that case this edge is covered. Okay, or if I take the vertex 2, in that case I will be able to cover this edge, I will be able to cover this edge, as well as I will be able to cover this edge. In the same way, if I take the vertex 4, then I will be able to cover this edge and I will be able to cover this edge. Now if I take the vertex 5, then I will be able to cover this edge, I will be able to cover this edge and I will be able to cover this edge. So you can see every edge is covered. So the vertex cover is 2, 4 and 5. See, whenever I take a vertex, the edges which are incident on that vertex, they are covered. So just by taking these three vertices, each and every edge of this graph, every edge of this graph can be covered. Okay, and what is an independence set? So independence set is about the vertices which are not adjacent with each other. Okay, so let me show you. If I take the vertex 1 and vertex 3, so vertex 1 and 3, they are not adjacent with each other. In the same way, vertex 1 and 5, they are not adjacent because they do not have any edge between them. So vertex 1, vertex 3, vertex 5, right? So these vertices are the vertices which are independent.
okay, which are creating an independent set. In the same way, we can have more than one different independent set also. I can have the vertex 2 and vertex 4 in an independent set, and make it, this is the vertex 6 maybe. So I think I should name these vertices. Actually, this is the vertex 6, so I should write it 6 here, right? So in this case, if I take the vertex 2, if I take the vertex 4, if I take the vertex 5, so that is creating an independent set. Vertex 1, vertex 3 and vertex 5 is creating an independent set. So in this same way, we can have more than one independent set in any graph. Now they have already given it the size of minimum vertex cover is 8, and they're asking what is maximum size of independent set. So it is very simple. If you have a total of 20 vertices, now if I subtract this minimum vertex cover, so this will give us maximum independent set. So this value will be 12. So this might not be true for every graph, right? So for some graphs this might be true, but again the size of maximum independent set here is going to be 12. So the correct answer will be option number A. Okay, so option number A will be a correct answer for this given problem. Now let us look at this question. Again, this question is very, very interesting, because there are many people who will find that this question is difficult, but again, this is not such a difficult question. It's a very interesting and easy question. So first let us try and understand the question, and then maybe you can figure out what I'm trying to say. So what they are saying is that we have the vertices between 1 to 100. So we have vertices like 1, 2, 3, 4, up to so on, 10. Then again, we have vertex 11, 12, 13, 14, up to so on, 20, up to so on, we have vertices like 91, 90, 91, up to so on, like 100. These are the vertices in the graph. Now, there will be a vertex, there will be edge from vertex j to I if j is equal to I plus 1. So that means if I take vertex 2, so vertex 2 will be connected to vertex 3. Vertex 3 will be connected to vertex 2. Vertex 4 will be connected to vertex 3. Why? Because this is representing your j and this is representing your I, right? So if I do I plus 1, then that will be equal to j. Okay, again here this is representing j, this is representing I. So then you can see how these vertices are connected, and then every vertex is also connected with 3i. So that means this will be connected to the vertex number which is 3. This will be connected to vertex number which is 9. So this will be connected to vertex number which is 27. That will be connected to some vertex number which is up to so on, right? So that might be connected to vertex number maybe something, some vertex is there, right? So now they are asking, what is the minimum number of edges in the path from this first vertex to the 100 vertex? You want to go from this vertex to this vertex, then what is the minimum number of edges that you can encounter in the path? Okay, so what you can do is you can take a path this way. From vertex 1 you can go to vertex 3, because this is j and this is 3i, right? Okay, I mean this is j and this is I. So you can, from vertex 1 you can go to vertex 3, from vertex 3 you can go to vertex 9, from vertex 9 you can go to vertex 27, and from vertex 27, you can go to some vertex, maybe 27 into 3, which is going to be 1, 2, this is 81. You can go to vertex 81, and from vertex 81, you can go to vertex 82, you can go to vertex 83, up to so on, you reach the vertex 100. So again, you can see that path will become very, very lengthy. But again, is there any path which is better than this? Kya aisa koi path possible hai jo isse better hai? Yes, there's a path. I can go from vertex 1 to 3, from 3 to 9, 9 to I can go to 30. Sorry, from vertex 9 I can go to vertex number 10, and from vertex 10 I can go to vertex 11, from vertex 11 I can go to vertex 33, from 33 I can go to 99, and from 99 I can go to 100. So this is just an intuitive question, so you just have to do hit and trial, there's no other way. And if you see, the number of edges between them is 1 2 3 4 5 6 7, so there are total of 7 edges. So minimum number of edges that are required from vertex 1 to 100 is going to be 7. So this question is actually more like an aptitude question. So first of all, you should know how to draw this graph, and then you should know how to trace the path from vertex 1 to 100. It is not such a question that you need mathematical proofs and you need so much in-depth knowledge. This is just a graph which is having basic aptitude skills. Okay. Now let us look at this question.
2 raised power n vertices of a graph corresponds to all the subset of a size of set n. For n greater than or equal to 6, 2 vertices of G are adjacent if and only if the corresponding set intersects in exactly 2 elements. I think this is a question that we have already done so far. Let me again tell you this question I have done 2 times, this kind of question. But again, let me tell you, let us suppose that we have a set A which is having 3 elements. So what are the subsets of A? Subsets of A will be 5, 1, 2, 3, and then we can have 1, 2. Then we can have 2, 3. Then we can have 3, 1. Then we can have 1, 2, 3. Now you can see that these vertices will be having any n edge between them, but these vertices are going to be isolated because they'll not be having any edge between them because the cardinality itself is 1. So how can they have 2 elements in common? So you can see these vertices will create a one connected component, and these vertices will create n plus 1 connected components. So number of in the connected components will be n plus 1 plus 1, which is equal to n plus 2. So there will be total of n plus 2 connected components. So correct answer will be option number B. Now let us look at this question. They are saying, if all the edge weights of an undirected graph are positive, then any subset of edge that connects all the vertices and has minimum total weight is which of the following? Okay, so see, we know that we have an undirected graph, okay, are positive. So we have an undirected graph like this. This is an undirected graph, vertex A, B, C, and D. The weight of every edge is 1. Right, and any subset of edge that connects all the vertices has a minimum total weight is, if I take any subset of edge, right, which connects all the vertices, I can take a subset like vertex A, vertex D, and vertex B. So if I take these 3 vertices, so this subset will become something like this, right? So this subset here, it is becoming a tree, right? So the correct answer is tree, right? So it is not going to create a hypercube, it is not going to create a grid or Hamiltonian cycle. So if I take any undirected graph whatsoever, so even if I take this kind of graph, right? What is this graph? This graph is an hypercube. Even if I take a hypercube and if I take any subset, so this word is very important, that any subset of the edges. So this is edge E1, this is the edge E2, this is the edge E1, this is the edge E2, this is the edge E3, and so on. So if I take any subset, so let us suppose if I take a subset as edge E2 only one edge is there. So again, because of that edge, this is becoming a tree. It is not going to become a hypercube. Or if I take 2 edges, so for let us suppose if I take edge E1 and E2, so E1 and E2, again, it is going to create a tree. It is not going to create a hypercube. So correct answer for this problem is option number D, which is a tree. Now, which of the following graph has a Eulerian circuit? So, if you remember what is a Eulerian circuit, in a Eulerian graph, the degree of every vertex should be even, or there should be exactly 2 vertices of odd degree. Okay. So, we have something called as Eulerian path, Eulerian circuit, and we have something called as Eulerian path. So, किसी भी ग्राफ के अंदर यूलेरियन सर्किट कब एग्जिस्ट करेगा? When does the यूलेरियन सर्किट एग्जिस्ट इन अ ग्राफ? इफ डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इन द ग्राफ इज इवन एंड द ग्राफ शुड बी कनेक्टेड. एंड when does the यूलेरियन पाथ एग्जिस्ट? इफ देयर आर एग्जैक्टली टू वर्टेसेस ऑफ ऑड डिग्री इन द ग्राफ एंड द ग्राफ इज कनेक्टेड, देन वी कैन से देयर एग्जिस्ट अ यूलेरियन पाथ. Now we remember these 2 theorems, these 2 things that we have already covered. Now just apply them. In the first, any k regular graph where k is an even number. So k regular graph means the degree of every vertex is same. So even if I take this graph which is having 2 components like this, so here in this graph the degree of every vertex is 2 and it is a 2 regular graph, right? So when I take a regular graph, it does not mean the graph is connected, so obviously this cannot be an answer. Option number 2, a complete graph with 90 vertices. So if you have a complete graph with 90 vertices, in that case the degree of every vertex is 89, so again which is an odd number, so it cannot be having a Euler circuit. Then the complement of a cycle of 25 vertices. So if I take a cycle of 25 vertices, in that case
So if you take the complement again, that will not be a okay. So the complement of cycle of 25 vertices. So how do you take a complement of a graph? How do you take a complement of a graph? So complement of a graph is take the complete graph with 25 vertices and subtract this graph. So for a complete a complement of a graph with n vertices, you have to take a complete graph with n vertices and then you have to subtract that graph from that complete graph. Now here think complement of a cycle of 25 vertices. So we have a total of 25 vertices in a graph like this, right? So here in this graph, the degree of every vertex will be 2. And in a complete graph with 25 vertices, the degree of every vertex will be 24, right? So in that case, again, in a complete graph with 25 vertices, the degree of every vertex is 24. And if I subtract this cycle with 25 vertices, again, that will give us the degree of every vertex is going to be 22, right? So because the degree of every vertex is even, here in this case, so because the degree of every vertex is even, so obviously there will exist a Eulerian circuit. So correct answer is option number C for this problem. Option number C jo hai, is problem ke liye correct answer rahega. Then G is a simple undirected graph. Some vertices of G are odd degree. Add an odd V to G, make it adjacent to each other vertex of degree G. The resultant graph is for sure which of the following. See, for example, this is a graph, right? And this is a graph. So they are saying the degree of some vertices are odd, okay, and the graph is also like this. Is here you can see the degree of all these vertices are odd, right? So some vertices of G are of odd degree. Then add a node V to G and make it adjacent to each other node of the graph. So if I take one more node and I make it adjacent to each vertex like this, so now you can see the degree of every vertex will become even. The degree of every vertex will become even. So because the degree of every vertex will become even, therefore this will become a Euler graph. Okay. Next, consider an undirected graph G where the self loops are not allowed. The vertex set of G is as follows, that we have total of 12 vertices horizontally. So we have vertices like this. This is a vertex which is 1, 1. This is a vertex which is 1, 2. This is a vertex which is 1, 3. This is a vertex which is 1, 4, up to so on. This is a vertex which is 1, 12. Then again, this is a vertex which is 2, 1. Second vertex 2, 2. Third vertex 2, 3. Third fourth vertex 2, 4. Up to so on, it is 2, 12. In the same way, we can have the last vertex which is 12, 1. Then we can have 12, 2. Then we can have 12, 3. Up to so on, last vertex is 12, 12. So these are the vertices. So how many number of vertices are there? So there will be a total of 12 into 12, which is 144 vertices. There will be a total of 144 vertices. Now they're asking, there's an edge between vertex A, B and C, D if A minus C is less than 1, right? So for example, if I take the vertex 1, 1 and we have a vertex 1, 2. So here this is A, B and this is C, D. So if I do A minus C, and this value should be less than equal to 1. So 1 minus 1 is basically 0. So obviously this condition is satisfied. So that means we'll be having an edge between them. Again, we'll be having an edge between them. Again, we'll be having an edge between them, like so on. In the same way, we'll be having an edge between these vertices also, like, right? So you can have an edge. So you can see it is more like a chessboard. It is becoming more like a chessboard, okay? This way you can have edges between these vertices. Okay. Now, and if I do B minus D is less than equal to 1, right? So B minus D, what do you mean by B minus D? If I take this vertex, which is 1, 1, if I take this vertex, which is 2, 2, so this is AB and this is CD. Now, if I do B minus D here, so which is going to be 1, 2, which the value is going to be -1, and this -1 is less than 1. So again, you can see there will be an edge between them. Again, this way, diagonally also, there will be edges. Diagonally also, there will be edges in this way also. Okay. So they're already specifying these properties. So you can just, I've done this question, so I know. So there will be diagonal edges also.
ठीक है. सो देर विल बी एजेस विद एवरी वर्टेक्स विच इज हॉरिजॉन्टली, देर विल बी एजेस वर्टिकली, देर विल बी एजेस डायगनली. नाउ देर आस्किंग द नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ इज हाउ मेनी एजेस विल बी देयर इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ. दिस इज वट दे आर आस्किंग. अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एज यू कैन सी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड मेक द ग्राफ, यू शुड बी एबल टू सी how does this graph look like, and once you know how does this graph look like, then you will be able to calculate the number of edges. Now let us calculate the number of edges in one horizontal. So here in one horizontal there will be total of 11 edges. There are total of 12 vertices, there are 12 vertices and there are 11 edges. In the same way, if I take vertically also, in vertically there are total of 11 edges and 12 vertices, right? If I just count horizontally and vertically, so horizontally and vertically how many edges will be there, so which is equal to how many horizontal lines are there, so there are total of 12 horizontal lines, right? Or you can say 12 rows. In the same way there are total of 12 columns, there are total of 12 columns, right? So it is going to be 12 into 11 plus 12 into 11. Okay, so one is for horizontal, this is number of edges in horizontally, and this is the number of edges which are vertically. So if you add both of them, so it is going to be 132 plus 132, which is equal to 264. Okay, now we have to count what is the number of edges diagonally. Okay, if you want to count number of edges diagonally, in that case you can see in each of these boxes, in each of these boxes you have two edges, one and two. In each of these boxes you have two edges. So first of all you should know how many number of boxes are there, and then you can multiply that number by 2. So this is how you can solve this problem. So how can you calculate what is the number of boxes that you have? So the number of boxes that you can have in this case is going to be approximately 11 into 11, which is equal to 121. And then in every box, in each of these box there are two edges, so just multiply it by 2, so it is 242. So you have to add these three numbers, which is 264 plus 242, which is equal to 506. So total there will be 506 edges in this graph. Okay, total there will be 506 edges. This question is slightly difficult, so I have to explain you again. Dekho, what happens is, if you just check out these conditions, agar aap in sabhi conditions ko check karenge, then you can see that these conditions are going to create a graph like this. These conditions are going to create a graph like this, this way. Because of these conditions we'll be having a graph like this. Yeah, you have to read these conditions again, right? So you can see in each of these boxes there will be two edges, right? So we'll be having a graph like this, right? So here this is representing 1,1, this is representing 1,2, this is representing 2,1, this is representing 2,2. So these are the vertices. Now in this graph you have to count what is the number of edges. This is what you have to do. So take your time. This problem is difficult, I understand, but you have to solve this problem. You have to take your time, understand this problem, spend some time on this problem, and still if you find it difficult, let me know, I will explain it again. Okay, next, what is the minimum maximum number of edges in a bipartite graph with 12 vertices? So we can have a bipartite graph which is 6,6, right? So which is a complete bipartite graph, and the total number of vertices will be 6 plus 6, which is equal to 12. That means on the first set we have 6 vertex, on the second set again we have 6 vertex. So in a complete bipartite graph of 6,6, so there will be total of 36 edges. So correct answer is 36. It's a question that is going to save a lot of time for you in the examination. Very easy and straightforward questions in this case. Okay, next question. If G is the forest with n vertices and k components, how many edges does G have? So forest is the collection of trees. Okay, so let me show you with the help of example. So this is a tree. Again, this is graph is representing a forest, right? This graph is representing a forest because this is a tree 1, this is a tree 2, this is a tree 3, and the total of components are 3 in this graph. So collection of many trees is called as a forest. Now in this graph you can see that how many vertices are there. So number of vertices are 1, 2, 3, 4, 1, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So in this graph number of vertices are 9 and number of components are 3.
Okay, so we know what is the number of vertices, we know number of components. Now they are saying how many edges does this graph is having. So how many edges are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the total of number of edges are 6. Now just calculate this value, just compare with all these options, you will see it is n minus k. So if you feel that there are more than one options are matching, then what you can do is try and create another graph. Create two, three different graphs and try and see which of these options is matching. So correct answer here is option number C. And this question is again very, very straightforward. All you have to do is make a graph and get the answer. Next, in a connected graph, a bridge is an edge whose removal disconnects the graph. Which of the following statement is true? A tree has no bridge. This is actually false because in tree, every edge is a bridge, right? So every edge makes the tree disconnect, right? A bridge cannot be a part of a simple cycle. This is actually true because bridge cannot be there in a single cycle. Every edge of a clique of size greater than 3 is a bridge. So this is false. And the graph with bridge cannot have a cycle. This is also false. So correct answer is option number B. Right, so this is also very straightforward, right? So you can see that even if this is a graph, now this graph is having a bridge, right? So this is your bridge, and again this graph is having two cycles. So again D is false. Correct answer is option number B. Next question is, let G be an undirected complete graph with n vertices where number of vertices are greater than 2. So this is an undirected complete graph with 3 vertices. Now the number of different Hamiltonian cycles in G is equal to which of the following? How many Hamiltonian cycles are there? Now for a Hamiltonian cycle, so first of all you should know what is a Hamiltonian cycle. So you have to start from a vertex and then you have to come back to the same vertex, right? And you cannot visit one vertex more than once. So this is a complete graph with 3 vertices, this is a complete graph with 4 vertices. In the same way, we can have a complete graph with 5 vertices. Now, in the complete graph with 3 vertices, there's only one Hamiltonian cycle. In complete graph with 4 vertices, there are many Hamiltonian cycles. That is, we can go from 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, and 4 to 1. We can go from 1 to 3, 3 to 2, 2 to 4, and 4 to 1. We can go from 1 to 2, 2 to 4, 4 to 3, and 3 to 1. So these 3 cycles are present as of now, right? But again, if you take a reverse of these cycles, like for example, from 1, I can go to 4, 4 to 3, 3 to 2, 3 to 1. So again, this reverse will be equal to the same only. The reverse will be same. And this question also I have already covered in the class. This is a direct question from my classes. So I told you the answer for this problem is option number D because it is n minus 1 factorial divided by 2. But you can also verify with this case. So here the number of vertices are 4. So it is 4 minus 1 factorial divided by 2, which is equal to 6 divided by 2, which is equal to 3. So you can see for this graph, there are only 3 different Hamiltonian cycles are present. 3 unique Hamiltonian cycles are present for this graph. This question, and you can also verify it here. So it is n minus 1 factorial divided by 2. So it is 3 minus 1 factorial divided by 2, which is equal to 1, right? So in this graph, there's only one Hamiltonian cycle. In this graph, there are 3 Hamiltonian cycles. So for any graph, you can calculate these values. And this is a question directly from the classroom that I've covered in the classes itself, okay?